वेलकम टू द गेटवे क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये, और उसका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दो यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड यूनिट को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये वाली यूनिट जो थर्ड है, आज हम यूनिट थर्ड करने वाले हैं, इस यूनिट को भी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा आज ही। ठीक है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगी, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी, और एक ही वीडियो में आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है तो इसलिए वन शूट वीडियो ही दे रहा हूँ, ताकि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और बहुत अच्छे से अपने इस सब्जेक्ट को समझ सकें और बहुत अच्छे से आप इस पर अपनी कमांड बना सकें। ठीक है ना, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो है हमारी ओपैम्प, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड IoT। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर जो कराने वाला हूँ ना, इसमें इस वीडियो के अंदर, इस यूनिट में जो कराने वाला हूँ, अभी बस ओपैम्प कराने वाला हूँ आपको। बाकी जो IoT है, IoT में दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो जब मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, लास्ट में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं एक वीडियो लाइव लेके आऊँगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जितने भी पॉसिबल होंगे, और उन्हीं में से आपका मैक्सिमम पेपर आ जाएगा। और उसके बाद मैं फिर लेके आऊँगा एक गैस पेपर या मॉडल पेपर कह सकते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं। इस यूनिट यूनिट थर्ड जो है ना हमारी, इस यूनिट का जो सिलेबस है कुछ इस तरह से आपके सामने। यूनिट थर्ड हमारी क्या, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड IoT सिस्टम्स। ठीक है ना, तो जो इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, और ये मतलब स्कोर को गेन करने वाली, यानी कि स्कोरिंग करने वाली यूनिट है एक तरह से। आप अपना काफ़ी स्कोर गेन कर सकते हैं इस यूनिट में। बहुत मतलब डेरिवेशन आते हैं सिंपल से, या उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, और बहुत इजी डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन समझ में आ गया तो समझ लो सारे डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल एक से ही लिंक हैं सारे। और ये IoT वाला पार्ट है ये वाला। इस IoT में जो है ना, ज़्यादातर मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की डेफिनेशन वगैरह पूछ जाता है। थियोरिटिकल क्वेश्चन आएगा एक बस, वो हम जब क्वेश्चन में लेके आऊंगा तो उसमें डिस्कस कर लूंगा इस वाले पार्ट को। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ, और ओपैम्प आपका कंप्लीट, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ओपैम्प की बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वॉट इज ओपैम्प या वॉट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो फर्स्ट हमारा क्या है, ऑपरेशनल, और सेकेंड क्या है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर तो हम बेसिकली सारे स्टूडेंट्स जानते ही होंगे आप। एम्पलीफायर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो हमारा क्या करता है, या सर्किट होता है क्या करता है कि मतलब किसी लो स्ट्रेंथ के सिग्नल को हाई स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर देता है। यानी कि कोई वीक सिग्नल है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और उसे स्ट्रांग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यानी कि एम्पलीफायर हमारा क्या करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। और साथ में हम क्या वर्ड बोल यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ऑपरेशनल, तो यानी कि एक ऐसा एम्पलीफायर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव करे, साथ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करे, साथ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करे, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। बहुत ईजी है, बहुत बस ध्यान से सुनते जाओ और देखते जाओ, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। अब तो एग्जाम आ चुके हैं, ज़्यादा करोगे तो दो बार वीडियो को देख लेना, ज़्यादा लेंदी वीडियो भी नहीं होगी, और यूनिट भी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो रही है, दो बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात समझ में आ गई, हम इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोले हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सिर्फ ये है कि क्या है हमारा जो एम्पलीफायर है, इट इज़ ए डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्टली कपल्ड क्यों बोले हैं, कि जो इसका इनपुट और आउटपुट है वो डायरेक्टली कपल्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डायरेक्टली कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर, यानी कि जो इसका गेन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई गेन एम्पलीफायर विच कैन बी यूज टू एम्पलीफाई AC एज वेल एज DC इनपुट। यानी कि चाहे तो AC इनपुट हो चाहे DC इनपुट हो, कैसा भी इनपुट हो, उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें एक टर्म हमने यूज किया है हाई गेन, और एक टर्म यूज किया है डायरेक्टली कपल्ड या डायरेक्ट कपल्ड। ठीक है ना, तो डायरेक्टली कपल्ड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली कपल्ड का मतलब क्या है कि जो इसका इनपुट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है किससे, आउटपुट से। अभी मैं इसका सर्किट भी बताऊंगा आपको, पूरा ओपन करके बताऊंगा थोड़ा सा। अब देखो, इसमें एक टर्म जो आई है हाई गेन, हाई गेन का मीनिंग क्या है, मतलब हाई गेन का मतलब ये है कि जो गेन है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। क्लियर, अब गेन मैंने बताया था, गेन एक्चुअल में होता क्या है, गेन रेशियो होता है किसका, जो आउटपुट है किसी भी सर्किट का। यानी कि गेन की अगर हम बात करें
तो गेन एक्चुअल में हमारा होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि किसी भी सर्किट का हमारा कोई आउटपुट है उसे हम इनपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेट होके आता है वो हमारा क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। अब गेन यहां पर हम इनपुट पर जो अप्लाई करने वाले हैं वो क्या अप्लाई करने वाले हैं, वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं। हम यहां पर इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट पर भी क्या ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं। तो यहां पर जो आउट रेशियो होगा वो किसका होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो चूंकि यहां पर वोल्टेज है तो यहां पर हम जो गेन को बोलते हैं वो वोल्टेज गेन बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने ये इस लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो सेकंड यूनिट बताई थी गेन को, वहां पर भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। तो ऐसी करंट, वहां पर हमने करंट गेन पढ़ा था इसलिए मैंने वहां पर ये एक्सप्लेन किया था करंट गेन, आपको करंट की वजह से वहां पर करंट गेन था क्योंकि वहां पर इनपुट पर और आउटपुट पर क्या थे, हमारी करंट्स थी। यहाँ पर वोल्टेज है इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वोल्टेज गेन बोल देते हैं, ठीक है ना। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा, ये मैंने गेन बेसिक बता दिया है। चलिए तो अब हाई गेन मतलब क्या कह रहा है, यानी कि जो इसका गेन होगा, इसका जो रेशियो होगा किसका, आउटपुट का और इनपुट का, वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका गेन जो है वो हाई हो जाएगा। अब ये कब हाई होगा, रेशियो हाई कब होगा, जब हमारा आउटपुट तो हाई हो और इनपुट जो है हमारा क्या हो, लो हो। आउटपुट हमारा क्या हो, हाई हो, आउटपुट हमारा ज्यादा हो एज कम्पेयर टू इनपुट, और इनपुट जो है वो लो, जितना इनपुट लो होगा और आउटपुट हाई होगा वही हमारा उतना ही गेन हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उतना ही ज्यादा गेन हमारा हाई होगा। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट या 2 वोल्ट इनपुट पर अप्लाई कराया और ये 1000 वोल्ट दे देगा, हम इसको हाई गेन बोला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 1 2 वोल्ट अप्लाई किया और इसने कितना आउटपुट दे दिया, 1000 वोल्ट दे दिया, ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन जो इनपुट हो गए उनके कंपेरिजन में आउटपुट जो होगा वो काफी हद तक हाई होगा, और जिससे हमारा जो गेन कैलकुलेट होगा आएगा वो काफी हद तक हाई होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर हाई गेन बोले हैं। जो आउटपुट होता है इनपुट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, यहाँ पर हम एक डीसी बैटरी और यूज करते हैं अपने एम्पलीफायर को, ऑप एम्प को, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो डीसी बैटरी हम अप्लाई करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट मिलता है यहाँ पर, उससे मैक्सिमम नहीं जाता चाहे कितना भी इनपुट हम अप्लाई करें, ठीक है ना। और इसमें मैंने क्या बताया, इसको ऑपरेशन, ये तो एम्पलीफायर की बात होगी, ऑपरेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्यों, इट इज मेनली यूज्ड फॉर, ये मेनली यूज किया जाता है किस लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लीकेशन, या लॉग वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए, एंटी लॉग भी कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, हम बहुत सारी कैलकुलेशन में इसको यूज करते हैं एम्पलीफायर को। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल तीन है, हम वही तीन पढ़ेंगे, समर है यानी कि समिंग करने के लिए, ऐड करने के लिए, दूसरा इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर है। तो वही तीन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उनके डेरिवेशन भी, ठीक है ना। तो अब मैं चलो आपको थोड़ा सा ओपैम के बारे में बता देता हूँ, ओपैम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब हम ओपैम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो उसका जो सर्किट होता है, एक्चुअल में जो सर्किट होता है ओपैम का, हमारी जो ओपैम होती है ना, हम मार्केट में अगर लेने जाएं कि हमें ओपैम खरीदना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर खरीदना, तो वहां पर जाकर केवल एक आईसी खरीदेंगे, और वो जो आईसी होती है मार्केट में जितनी भी आईसी मिलती हैं वो किसी ना किसी नंबर से मिलती हैं, ठीक है ना। जो आईसी मिलती है मार्केट में वो किसी ना किसी नंबर से मिलती हैं। तो जो हमारी ओपैम की आईसी होती है वो होती है हमारी 741 के नेम से मिलेगी मार्केट में। अगर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर मार्केट से खरीदने जाना है तो आप वहां पर जाकर बोलोगे कि मुझे आईसी दे दो 741, तो वो आपको आईसी दे देगा 741, और वही आईसी हमारी क्या होगी, ओपैम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम आईसी लेते हैं 741, वो कितनी होती है, 8 पिन की आईसी होती है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आईसी रियल में देखी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे। तो मैं आईसी का डायग्राम भी लेके आया हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं ओपैम के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी जो 741 है इसका जो सर्किट एक होता है सर्किट सिंबल, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, और एक होता है सर्किट। तो वो जो सर्किट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको आपकी कोई आपको कोई नीड नहीं है उसकी, आप उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, देख के भी कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि ना ही वो आपके एग्जाम में आने वाला है। सर्किट सिंबल की मैं बात कर लेता हूँ। जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका सर्किट कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमने डायोड भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर बस ये ट्राइंगल होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे 2 टर्मिनल्स तो यहाँ पर होते हैं इस तरह से, मैं सर्किट सिंबल बता रहा हूँ और पूरा ओपन करके इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ध्यान से सुनते चलो। और आउटपुट यहाँ पर एक मतलब टर्मिनल ये होता है, एक टर्मिनल यहाँ पर होता है और एक टर्मिनल यहाँ पर होता है। यहाँ पर ओपैम में हमारे टोटल 5 टर्मिनल्स यूज होते हैं, मैक्सिमम 5 टर्मिनल्स यूज होते हैं। लेकिन जो आईसी हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8 पिन की आईसी। तो क्यों कर रहे हैं 8 पिन की आईसी, उसका भी रीजन है मैं बताऊंगा अभी।
तो ठीक है, ये हमारा ओपैम का सर्किट बन गया। अब इसमें ये जो टर्मिनल्स हैं ये क्या क्या हैं एक्चुअल में, देखो ध्यान से सुनते चलो, बिल्कुल आराम से, मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा स्लो भी नहीं। अगर आपको किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि ये तो हमें आता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं सर, तो आपके मोबाइल में यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप अपनी प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन मुझे सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलना है जिनको इसका नहीं पता ज़्यादा डिटेल में, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओपैम मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और यहाँ से कितने भी क्वेश्चन आए वो सारे आप करके आओगे। स्कोरिंग यूनिट है, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बता दिया है। तो देखो 741 है, ठीक है ना, ये 741 हमारे क्या है, आईसी का नंबर है। तो यहाँ पर हम या तो 741 लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं। ए एक्चुअल में क्या है, ए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर गेन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए यूज़ करते हैं, गेन के लिए। अभी गेन को हम ए से डिनोट करते हैं या ए वी से डिनोट कर देते हैं, सफिक्स में वी और बना देते हैं, अभी आके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखो दो टर्मिनल्स इन पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो साइन होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है। एक टर्मिनल, एक ही जो टर्मिनल है इसके सामने नेगेटिव साइन होता है और एक टर्मिनल पॉजिटिव साइन होता है। जरूरी नहीं कि ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक पर नेगेटिव साइन होगा और एक पर पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है ना। आई होप तुम्हें यहां तक क्लियर हो गई वो बात। अब देखो यहां पर ये दोनों जो होते हैं, ये वाले जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं, ये हमारे होते हैं इनपुट टर्मिनल। लेकिन जिस पर नेगेटिव साइन होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, जिस पर नेगेटिव साइन होता है वो कहलाता है हमारा इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ठीक है ना, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल या इन्वर्टिंग इनपुट बोल देते हैं। और जिस पर पॉजिटिव साइन होता है वो होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है ना। तो ये दो टर्मिनल तो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, और ये जो ये वाला टर्मिनल होता है ये होता है हमारा आउटपुट टर्मिनल, यानी कि जो हम आउटपुट लेते हैं मेजर करते हैं वो इस टर्मिनल से लेते हैं। और ये जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं ये हमारे होते हैं बैटरी के टर्मिनल्स, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इसको हम पॉजिटिव वीसीसी से डिनोट कर देते हैं और इसको नेगेटिव वीई से डिनोट कर देते हैं, या प्लस वी और माइनस वी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम एक डीसी बैटरी और यूज करते हैं, वो डीसी बैटरी क्यों यूज करें, डीसी बैटरी अपने ये जो ये दिख रहा है ना ट्राइंगल, ये इतना ईजी नहीं है देखने में, तो यहाँ पर बहुत ईजी लग रहा है तुम्हें सर्किट में, तो ये सर्किट सिंपल है। अगर इसका एक्चुअल सर्किट देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नेट पे जाकर सर्च करके देख सकते हो कि सर्किट डायग्राम ऑफ 741, तो वो जो सर्किट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो पूरा सर्किट यहाँ पर रहता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स वगैरह, रेसिस्टर्स वगैरह, कैपेसिटर्स वगैरह से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, उसकी नीड नहीं है, इसलिए मैं लेके नहीं आया ना ही मैंने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये हमारा इसका सर्किट सिंबल हो गया, सारे टर्मिनल्स के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। यहाँ से हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये हम बैटरी, बस ये केवल यहाँ पर हमारा आगे कोई यूज नहीं होने वाला, बस ये बनाना जरूर है हर बार, ये डीसी बैटरी है, ये इसको ऑपरेट कराने के लिए उस सर्किट को, और यहां से हम आउटपुट लेने वाले हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखो, यहां पर मैंने बताया कि ये जो आईसी है 741 हमारे कितने पिन की आईसी है, 8 पिन आईसी है, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, इसमें मैं आईसी का भी इसका डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। ये हो गया 1 पिन नंबर 1। देखो इस तरह से आईसी जो होती है, अभी दिखाऊंगा, सपोज करो वो आईसी बोर्ड में लगी हुई है। आईसी में क्या होता है, एक ब्लैक कलर की आईसी होती है, उसमें पिंस होती है साइडों में, बहुत सारी होती है, डिफरेंट डिफरेंट पिन की आईसी होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 8 पिन की आईसी यूज कर रहे हैं, और इससे ऊपर 16 पिन की आईसी भी होती है, 32 पिन की आईसी भी होती है, 40 पिन की आईसी भी होती है, तो इस तरह से पिन होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 8 पिन की आईसी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे 5 टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, और 5 पिन की आईसी में मार्केट में मिलती नहीं है, ना 6 की मिलती, ना 7 की, 8 की होती है, तो आईसी डिजाइन ही नहीं होती ना 5 की, ना 6 की, ना 7 की, ना 8 की, 4 की होती है, लेकिन 4 से तो हमारा फिर 8 टर्मिनल फ्री रह जाएगा, तो इसलिए हम 5 पिन की आईसी यहाँ पर, 8 पिन की आईसी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पिन नंबर देखो, जो एक कट इस तरह से लगा होता है आईसी में, ऊपर की तरफ ब्लैक पार्ट है, उसकी जो पिन है वो नीचे की तरफ और इस बोर्ड में लगी हुई है, तो ये जो कट लगा होता है इसके लेफ्ट साइड पिन नंबर 1 होता है। पिन नंबर्स लिखे नहीं होते आईसी पे, हमें खुद से अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है या कंफर्म करना होता है पिन नंबर 1 किधर है, 2 किधर है, 3 किधर है, 4 किधर है, क्लियर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पिन नंबर 1 कौन सी होगी, हमेशा इस तरह से कट लगा हुआ होता है उसके लेफ्ट साइड, या कट के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी बहुत सी आईसी ऐसी होती है जिन पर कट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक कलर का डार्क सर्किल बना हुआ होता है, तो जिधर ये सर्किल होगा वो पिन नंबर 1 होगी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। मैं बाहर लिख रहा हूँ पिन नंबर क्योंकि मुझे अंदर डायग्राम बनाना है। तो ये पिन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई यहाँ पर, फिर इसके बाद पिन नंबर 3 होती है, फिर पिन नंबर 4 होती है, फिर जब दूसरी साइड जाएंगे तो नीचे से पिन नंबर स्टार्ट होती है, 5 हो गई, 6, 7 और 8, इस तरह से 8 पिन आईसी है।
अब ये जो सर्किट सिंबल है इसको उठाकर हमें यहाँ पर फिट करना है। हमने इस तरह से चलो लो फिट कर दिया, ये बन गया हमारा सर्किट सिंबल। अब इसके जो टर्मिनल्स हैं हमारे वो यहाँ पर कनेक्ट कर दो। देखो पिन नंबर, ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है इन्वर्टिंग, ये पिन नंबर 2 से कनेक्ट होता है, यानी कि ये हो गया नेगेटिव। पिन नंबर 3 से कौन सा होता है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो प्लस, ये मैंने बताया प्लस VCC और माइनस VEE, तो प्लस VCC जो है पिन नंबर 7 से कनेक्ट होता है और माइनस VEE पिन नंबर 4 से, और ये जो आउटपुट लेते हैं हम वो किससे लेते हैं? पिन नंबर 6 पे। तो बस हमारे IC के अंदर ये सर्किट डायग्राम इस तरह से कनेक्ट होता है। तो जब हमें अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के किसी टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट लेना है, तो हम पिन जिस पर, अगर इन्वर्टिंग पे करना है तो यहाँ पर 2 पर अप्लाई कर देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग पे करना है तो 3 पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। आउटपुट हम पिन नंबर 6 से मेजर करते हैं और यहाँ पर पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 पर हम DC बैटरी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, पिन नंबर 8 जो है वो हमारी नॉट कनेक्टेड, यानी कि कनेक्ट नहीं होती, और पिन नंबर वन ऑफसेट नल के नाम से होती है, ये क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा, और पिन नंबर 5 ये भी ऑफसेट नल के नेम से होती है। ठीक है ना, ये दोनों पिन नंबर जो हैं ये ऑफसेट नल होते हैं, पिन नंबर 8 हमारी कनेक्ट ही नहीं होती, और ये हमारा सर्किट हो गया इस तरह से। पिन के अंदर ये मतलब IC के अंदर इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो पिन डायग्राम मैंने बता दिया, एग्जाम में आता नहीं है, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्या पता ड्रॉ करने के लिए दे दे एक बार को, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ें हमने समझ ली। अब देखो एक चीज़ और आती है इसमें, इसके मोड ऑफ ऑपरेशन आते हैं, वो अभी आपको चलो डायग्राम में ही बताऊंगा, उसके बाद ही बताऊंगा, पहले आप ये चीज़ें देख लो यहाँ तक। ठीक है ना, देखो हमने ये तो देख लिया था, ये यहाँ पर वही सर्किट सिंबल जो मैंने आपको बना के दिखाया है वही यहाँ पर बना हुआ है। पिन नंबर 2 हमारा, पिन नंबर 2 वी इनपुट यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट है, पिन नंबर 3 पॉजिटिव साइन है तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, पिन नंबर 7 पर VCC प्लस, पिन नंबर 4 पर VCC माइनस या माइनस VEE, पिन नंबर 6 पर आउटपुट। तो यानी कि ये देखो यहाँ पर ये इसके डायग्राम है, पिन डायग्राम और सर्किट डायग्राम। तो ये रहा पिन डायग्राम जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। देखो यहाँ पर इस तरह से कट लगा हुआ है ना, तो इधर ये लेफ्ट साइड इसके क्या होगी, पिन नंबर 1, ये अंदर लगी हुई है, ये मान के चलो, ये नहीं सोचना कि पिन बाहर हैं और उधर की साइड से देखोगे, नहीं, पिन जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है ना, पिन नंबर 1 हो गई ऑफसेट नल, पिन नंबर 2 हो गई इन्वर्टिंग इनपुट माइनस वाले साइन से कनेक्ट है, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग यानी कि 3 हमारी प्लस वाले साइन से कनेक्ट है, पिन नंबर 4 हमारी जो है ये माइनस वी यानी कि इससे कनेक्ट हो गया, और ये प्लस वी जो है पिन नंबर 7 से, पिन नंबर 8 नॉट कनेक्टेड, पिन नंबर 6 पर आउटपुट ले रहे हैं, और पिन नंबर 5 हमारी ऑफसेट नल है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यूड फ्रॉम अबव, यानी कि हम ऊपर से देख रहे हैं, पिंस नीचे हैं इस तरह से, है पिन नीचे हैं और ऊपर से हम देख रहे हैं, यानी कि इस तरह की IC होती है ब्लैक कलर की, आई होप तुमने अब देख के ध्यान आ गया होगा। तो देखो इसमें ये कट लगा हुआ है, नीचे की तरफ है पिंस, तो इसके लेफ्ट साइड यानी कि इधर की तरफ पिन नंबर 1 हो गए हमारी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर उसके पास यहाँ पर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी और लास्ट में 8 होगी। क्लियर, ये मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर, और ये वही सर्किट डायग्राम बना हुआ है। सर्किट डायग्राम में देखो हमने जो 2 इनपुट टर्मिनल्स यूज करे थे नॉन इन्वर्टिंग, देखो यहाँ पर आपकी बात नॉन इन्वर्टिंग ऊपर बना हुआ है, तो जरूरी नहीं कि ऊपर हो या नीचे, बस ध्यान के रखना है अगर नॉन इन्वर्टिंग होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, और ये नीचे इन्वर्टिंग है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। ये दोनों टर्मिनल इसके इंटरनली कनेक्टेड होते हैं एक रेसिस्टेंस के थ्रू, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ होता है जिसको हम इनपुट रेसिस्टेंस बोल देते हैं, RI से इसको डिनोट कर लेते हैं, और जब ये यहाँ से ज्यादा है जिसको हम जहाँ पर आउटपुट मेजर करते हैं वहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा होता है उसको आउटपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो देखो अब हमारा जो इसका गेन, मतलब गेन क्या होता है हमें पता है, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसका जो गेन होता है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई गेन होता है। तो हाई गेन कैसे होगा, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। जितना इनपुट रेसिस्टेंस हाई होगा वो उतना लो से लो इनपुट को ले सकता है, और जितना आउटपुट रेसिस्टेंस लो होगा वो उतना हाई से हाई आउटपुट दे सकता है। तो इसलिए आउटपुट रेसिस्टेंस हमेशा हाई होना चाहिए और इनपुट रेसिस्टेंस नहीं सॉरी आउटपुट रेसिस्टेंस लो होना चाहिए और इनपुट रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए हाई गेन के लिए, ये कंडीशन है। ठीक है ना, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन, हम अपने ओपैम के मोड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं पहले, यानी कि कितने तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा बेसिकली यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं वो 3 होते हैं, एक तो होता है हमारा सिंगल एंडेड, और दूसरा होता है डबल एंडेड या डिफरेंशियल इनपुट, और तीसरा क्या होता है, कॉमन मोड। ये 3 होते हैं। ठीक है ना, हाँ ये 3 होते हैं हमारे,
जो मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड या डिफरेंशियल या कॉमन मोड। अब मैं इनको बता देता हूँ ये कैसे हैं भाई, चलो देख लेते हैं एक एक करके। मैंने पहला बताया सिंगल एंडेड, यानी कि फर्स्ट क्या है, सिंगल एंडेड, यानी कि सिंगल एंडेड का मतलब क्या हम यहां पर देखने वाले। ये दो टाइप के होते हैं, सिंगल एंडेड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, और दूसरा होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना। दो टाइप के होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अभी इनके डायग्राम बना के देख लेते हैं, इन्वर्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये नॉन पॉजिटिव है तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग। बैटरी हर बार यूज करनी है, प्लस वी लिख लो या माइनस वी लिख लो या प्लस वी सी सी या माइनस वी ई, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर 741 या और ए, एक चीज जरूर लिखनी है, चाहे तो 741 लिख लो या ए लिख लो, लिखना जरूर है। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या, यहाँ पर जो ए टाइप है वो क्या, इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि हमारा जो इन्वर्टिंग वाला है इस पर तो हम इनपुट अप्लाई करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करेंगे, या तो यहीं पर वी इनपुट लिख दो या ऐसे करके यहाँ पर एक इनपुट ए सी सोर्स, यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दो, प्लस माइनस और वी इनपुट इस तरह से लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो या यहीं पर ऐसे कनेक्ट कर दो। और इसको हमें क्या करना है, दूसरा टर्मिनल जो है उसको ग्राउंड करना है। तो ये जो सर्किट बन गया हमारा, ये सिंगल एंडेड सर्किट है, क्योंकि इसके एक ही इनपुट टर्मिनल पर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे को हमने ग्राउंड कर दिया है यानी कि जीरो कर दिया है। जब हम नेगेटिव वाले यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये कौन सा टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन बन जाता है और ये सिंगल एंडेड के अंदर आता है, ठीक है ना। ऐसी अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग की, तो नॉन इन्वर्टिंग में फिर से वही नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस वी माइनस वी, 741 यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, इनपुट यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ग्राउंड कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, वी इनपुट अप्लाई कर देंगे। वी इनपुट इस तरह से बना लो या फिर से इस तरह से बना लो, एसी सिग्नल अप्लाई करके कैसे बना लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी सिंगल एंडेड हमारा ओप एम्प हो गया, लेकिन कौन सा हो गया, नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग क्यों बोले, क्योंकि इसकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, और जो हमारा नेगेटिव यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, यानी कि जीरो कर दिया। तो ये दोनों हमारे सिंगल एंडेड के एग्जांपल्स हैं, पहला इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्ट, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। दोनों के डेरिवेशन अभी हम डेरिवेशन करेंगे, टोटल इसमें मैं 5 डेरिवेशन आपको कराने वाला हूं, और उन 5 में से ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। ओपैम जितना करा दूंगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी ले रहा हूं इस चीज की, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे सिंगल एंडेड की बात हो गई। अभी देखो इसमें डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस वोल्टेज भी होती है, अभी वो आगे हम कंसिडर करेंगे, देखेंगे जब डेरिवेशन करेंगे, अभी यहाँ पर आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं जहाँ तक बताता जा रहा हूँ उसको समझते चलो। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, दूसरा टाइप का होता है हमारा डबल डबल एंडेड, ठीक है ना। डबल एंडेड का क्या मतलब है, डबल एंडेड हमारा एक ही टाइप होता है, होता क्या है, लेकिन जैसे देखो ये ओप एम्प है हमारा, ये हमारा एक इनपुट टर्मिनल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सा है हमारा, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और ये कौन सा हो गया हमारा, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना, नॉन इन्वर्टिंग। और यहां पर पिन नंबर 6 पर तो हम आउटपुट लेते ही हैं, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहां पर 741 जरूर लिखेंगे या ए जरूर लिखेंगे, यहां पर प्लस वी और यहां पर माइनस वी, या प्लस वी सी सी और माइनस वी ई जरूर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखो हम इस पर भी इनपुट अप्लाई करेंगे, यहां पर भी इनपुट अप्लाई करेंगे, वी वन दे दिया या वी इनपुट वन लिख दिया, और यहां पर भी अप्लाई करेंगे, और यहां पर क्या लिख दिया हमने, वी इनपुट टू लिख दिया। जरूरी नहीं कि यहां पर वन लिखो या टू लिखो, यहां पर वी इनपुट वन लिख सकते हो, यहां पर टू लिख सकते हो, कैसा भी लिख लो, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। चलो मैं भी नीचे इस पर वन लिखता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको डिफरेंशियल वोल्टेज दिखाने वाला हूं। देखो ये हमारा वी इनपुट टू हो गया और ये वी इनपुट वन हो गया। अब ये क्या हो गया, डिफरेंशियल या डबल एंडेड मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया, क्यों, क्योंकि हम इसके दोनों इनपुट टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब दोनों इनपुट टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करें और दोनों वोल्टेज डिफरेंट हो,
सपोज करो यहां पर हमने कितना अप्लाई कर दिया 1 वोल्ट और यहां पर कितना कर दिया 2 वोल्ट, तो दोनों डिफरेंट हो गए ना, सेम नहीं होने चाहिए। तो जब दोनों डिफरेंट होंगे तो यहां पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस आता है, जिसको हम बोलते हैं वीआईडी, डिफरेंशियल वोल्टेज। जैसे हमने अभी ये पीछे पढ़े ना, ये भी, इन पे भी वोल्टेज डिफरेंट है ना, यहां पर तो कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये यहां पर हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये ग्राउंड कर दिया तो यहां पर जीरो रहेगा, यहां पर कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी वोल्टेज डिफरेंट है। ऐसे सेम यहां पर हमने ग्राउंड कर दिया तो जीरो हो गई, और यहां पर कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे तो जब कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे तो दोनों टर्मिनल पर डिफरेंट है। तो ऐसे यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट वोल्टेज है, तो उनका डिफरेंस आता है। तो इसके इनपुट पर, यहां पर जो इनपुट अप्लाई होने वाला है वोल्टेज, वो क्या होगा, एक्चुअल में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या होगा, वीआईडी, डिफरेंशियल वोल्टेज कहलाता है हमारा। वो होता है जो पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट है, यानी कि क्या है हमारा, वी इनपुट वन माइनस जो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव साइन है तो माइनस में आएगा, वी इनपुट टू यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट वोल्टेज है। तो ये वी आई डी, ये होता है हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज, होता है किस किस का, वी इनपुट वन और वी इनपुट टू का, यानी दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उनका डिफरेंस जो आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर वन लिया था, यहाँ पर टू, तो यानी कि वन में से टू को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन बचा, तो माइनस वन अप्लाई होगा इस पर और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये डिफरेंशियल वोल्टेज कहलाती है हमारी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हम डिफरेंशियल वोल्टेज, यहाँ पर भी वी आई डी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर भी ये वी आई डी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी वी आई डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें यही लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मैंने ये तो हमारा क्या हो गया, डबल एंडेड यानी कि डिफरेंशियल। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप है वो क्या है, कॉमन मोड। कॉमन मोड की बात करें तो कॉमन मोड में क्या करते हैं, कॉमन मोड में हमने बना लिया नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों इनपुट टर्मिनल्स हो गए, या आउटपुट हो गया हमारा, यहां पर हमने प्लस वी अप्लाई किया और यहां पर माइनस वी अप्लाई किया। 741, देखो डेरिवेशन समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बट ज़्यादा नहीं बनते, बट ये पता तो होने चाहिए ना, न्यूमेरिकल बनेगा तो न्यूमेरिकल में हमें डायग्राम पहचानना होता है कि कौन से ओपैम का डायग्राम है, और जब तक डायग्राम नहीं पहचान पाओगे तब तक न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। देखो इन्वर्टिंग हो गया, ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया, इन दोनों को कॉमन कर दो, और या तो ग्राउंड कर दो या कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दो, तो दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज गई, या दोनों पर अलग अलग वोल्टेज दे रहे हो, मतलब अलग अलग ऐसे नहीं कर रहे, चलो ऐसे नहीं कर रहे, मान लो ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वी वन दे दिया और यहाँ पर भी वी वन, यानी कि इस पर भी 1 वोल्ट दे दिया और इस पर भी 1 वोल्ट, यानी सेम वोल्टेज जब देंगे तो यानी कि क्या होगा, दोनों कॉमन ही होंगे, और ग्राउंड से कर दो तो जीरो हो जाएंगे दोनों। तो ये क्या कहलाता है हमारा, कॉमन मोड, यानी कि जब इनपुट कॉमन हो दोनों के लिए। क्लियर हो गया बात, तो वो हमारा ओपन क्या होता है, कॉमन मोड होता है। मैं आपको डायग्राम्स में इसमें दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहला हमारा ये है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक तो सिंगल एंडेड की बात करें, सिंगल एंडेड में नॉन इन्वर्टिंग है और इन्वर्टिंग है, दो टाइप बताएं। इन्वर्टिंग में क्या है, इन्वर्टिंग में देखो ये पॉजिटिव साइन वाला जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट, और नेगेटिव साइन वाले पे हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा दी। क्लियर होगी बात यहां तक, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब जो नॉन इन्वर्टिंग है, पॉजिटिव वाले पर इनपुट अप्लाई करा दिया और नेगेटिव वाले को ग्राउंड कर दिया, यानी कि इनपुट पॉजिटिव अप्लाई पर, पॉजिटिव पे अप्लाई कराया तो वो नॉन इन्वर्टिंग कहलाया। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और होती है, देखो जब हम पॉजिटिव पर यानी पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई कराते हैं, तो जैसा इनपुट अप्लाई कराएंगे वैसा हमारा उसी सेम फेज में आउटपुट मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाई हो जाएगा। देखो इसकी पहली हाफ साइकिल पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, ऐसी यहाँ पर भी पहले पॉजिटिव में और नेगेटिव में, लेकिन एम्पलीफाई हो गया सिग्नल। ऐसी यहाँ पर जब नेगेटिव यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कराते हैं, तो हमने इस तरह से ये साइकिल अप्लाई कराई थी इस तरह से ये, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलता है, 180 डिग्री के फेज शिफ्ट मिलता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है फेज शिफ्ट, यानी कि जो पॉजिटिव में साइकिल थी वो नेगेटिव में पहुंच गई और जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में पहुंच गई, ठीक है, यानी कि इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड बोलते हैं और इसमें सेम रहता है, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने गेन की बात बताई थी, गेन क्या बताया था मैंने, गेन को ए से डिनोट करें, हम यहाँ पर ए लिखते हैं या 741 लिखते हैं, तो गेन हमारा ए होता है। ए मैंने क्या बताया था, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। यहाँ पर इनपुट अप्लाई क्या कर रहे हैं, देखो मैंने क्या बताया था अभी, ये पीछे बताया था वी आई डी बताया था, तो अब यहाँ पर मैं वी आई डी की बात करूँ तो इनका जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो वी आई डी इस तरह से होगा कुछ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जब होगा तो देखो यहाँ पर इनपुट पर तो अप्लाई कर रहे हैं वी आई, और यहाँ पर जीरो है, तो हमारा आउटपुट क्या है, मतलब ये डिफरेंशियल वोल्टेज क्या आएगा जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वही आएगा सेम। तो इसके अगर मैं गेन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वी आउटपुट यहाँ पर जो होगा अपॉन में वी आई डी कह लो या वी इनपुट कह लो, यानी कि हम इसे ये भी लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन वी आई डी। क्लियर होगी बात यहाँ तक, या ये भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करूँ तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो ये इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वी नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, ए वी आई
या वी इनपुट या वी आईडी, अगर आईडी लिखा है या मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, ठीक है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, देखो वी आउटपुट क्या होगा इन दोनों का, ए मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स मत समझ लेना इसको, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू वी इनपुट, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज ए इनटू वी इनपुट, यानी कि यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज है, ये इसका गेन है और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो ये तो हमारा सिंगल एंडेड का हो गया। डबल एंडेड की बात करें तो इस तरह से है कुछ, इस पर भी इनपुट अप्लाई कर दिया, इस पर भी इनपुट अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव साइन है, इस पर वी वन है मान लिया, नेगेटिव साइन है यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर वी टू मान लिया, दोनों का जो डिफरेंशियल वोल्टेज होगा उसको वी आई डी बोल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आउटपुट हो गया, तो ये आउटपुट क्या होगा, आउटपुट एक्चुअल में हमारा क्या आएगा, वी आउटपुट अगर मेजर करें तो इसका जो गेन है मैंने क्या बताया था, ए इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट अपॉन वी आई डी कह लो या वी इनपुट कह लो। तो इसका वी इनपुट तो अप्लाई जो हो रहा है वहां पर तो सेम था, लेकिन यहाँ पर हमें वी आई डी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट अप्लाई हो रहा है ना, एक्चुअल में जो ओप एम्प पे इनपुट अप्लाई हो रहा है वो वी आई डी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ओपन, अभी हम बात करने वाले ओपन लूप और क्लोज लूप की, तो यहाँ पर ओपन लूप की बात चल रही है, ठीक है। तो वी आई डी है, और मैंने वी आई डी क्या बताया था, जो पॉजिटिव साइन वाला है उसमें से नेगेटिव साइन वाले इनपुट वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन वी आई डी, वी आई डी कितना है, यानी कि पॉजिटिव पर वी वन है और नेगेटिव पर वी टू है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी वन माइनस वी टू, ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, वी नॉट निकालना, तो वी नॉट को जब हम निकालेंगे यानी कि आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे, तो ये जो वी वन माइनस वी टू है ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई वी वन माइनस वी टू हो गया, तो यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आउटपुट, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो अगर वीडियो समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ, ठीक है। चलिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है कॉमन मोड। कॉमन मोड में क्या है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनपुट टर्मिनल एक जगह कॉमन कर दिया और एक ही इनपुट हमने अप्लाई कर दिया। जब हम एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट हो गया। तो देखो अब यहाँ पर हमारा फिर से वही होगा कि ए जो होगा हमारा वो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होगा। अब वी इनपुट तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, वी सी ले लिया, सी का मतलब क्या है, कॉमन मोड। जो कॉमन मोड होता है ना, कॉमन मोड के लिए वी सी जो होता है वो कितना होता है, वी वन यानी कि इस पर जो अप्लाई है या इस पर जो अप्लाई है, माइनस सॉरी प्लस वी टू अपॉन टू, यानी कि इनका जो दोनों इनपुट टर्मिनल्स है ना, इनका जो एवरेज होता है वो इनपुट पर अप्लाई होता है, तो यानी कि वी सी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई, ये हो गई। क्लियर, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या इस यहाँ से अगर वी नॉट निकालें तो वी नॉट कितना होगा, वी सी इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई वी सी हो जाएगा। अब इस वी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई में वी सी की वैल्यू पुट करी, वी वन प्लस वी टू अपॉन में टू। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, वी नॉट इज इक्वल टू ए सी, यानी कि कॉमन मोड का गेन, यहाँ पर ए सी लिख लो यानी कि कॉमन मोड का गेन हो गया, इंटू वी सी, और वी सी की वैल्यू क्या है, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, यानी कि डिवाइडेड बाय टू, यानी कि इसका एवरेज जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये तीनों मोड समझ में आ गए होंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, करेक्ट, किस नाम से पूछा जाता है, नाम सुनो, पहला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओप एम, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओप एम, क्लियर। दूसरा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ओप एम, तो चाहे तो प्रॉपर्टी बोले चाहे करेक्टरिस्टिक्स बोले, आइडियल ओप एम की पूछी जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों लेके आया हूँ, कभी एग्जाम में ये हो जाएगा कि अगली बार प्रैक्टिकल भी पूछ ले साथ में, लेकिन प्रैक्टिकल पूछता नहीं, आइडियल जरूर याद करके जानी है आपको, चाहे प्रैक्टिकल करो या ना करो, या आइडियल ओप एम। यहाँ पर तो मैंने कंपैरिजन दिखा दिया एक तरह से कि आइडियल ओप एम वर्सेस प्रैक्टिकल ओप एम, उनमें कम डिफरेंस क्या है, तो वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो करेक्टरिस्टिक जब लिखने के लिए, अब यहाँ पर ये वी आई करेक्टरिस्टिक नहीं है, जैसे हमने सेकंड यूनिट में पढ़ी है फर्स्ट में, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक नहीं है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें वैल्यूज यूज होती हैं, टर्म्स हैं कुछ, वो टर्म्स हैं उनकी जो वैल्यूज होंगी वो हमें बतानी होती है। तो आइडियल केस हो गया, एक प्रैक्टिकल केस हो गया, मैं आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ, हम इलेक्ट्रॉनिक में दोनों चीजें लेके चलते हैं, आइडियल प्रैक्टिकल, लेकिन जो मेनली लेके चलते हैं वो आइडियल लेके चलते हैं। आइडियल प्रैक्टिकल होते क्या है, यानी कि कोई भी एक सर्किट है उसका आने वाला जो रिजल्ट है वो किसी वैल्यू के अप्रोक्सीमेट है। सपोज करो हमने कोई करंट कैलकुलेट करी, हमने कोई करंट कैलकुलेट करी आई, और वो आ रही है हमारी लगभग 2.1 मिली वोल्ट के आसपास, मिली वोल्ट में एक तो और ऊपर से 2.1 है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं, 2 मिली वोल्ट मान लेते हैं। तो ये जो हमने मान लिया ना, सॉरी मिली वोल्ट बोल रहा हूँ मैं, अभी करंट को मिली एम्पियर होगा, ठीक है ना, मिली एम्पियर। तो हमने ये जो मान लिया ना,
था कितना 2.1, हमने मान लिया कितना 2, तो ये वाली टर्म जो होगी, जो हमने मान लिया, ये हो गए हमारी आइडियल, यानी कि ये हमारी आइडियल होगी और ये प्रैक्टिकल, यानी कि जो एक्चुअल में है वो प्रैक्टिकल है और जो हमने मान लिया वो क्या आइडियल। तो ऐसी ओपैम की करेक्टरिस्टिक्स की बात है, यहाँ पर चाहे करेक्टरिस्टिक्स लिखे या प्रॉपर्टीज लिखे, आपको ये टेबल बना के आनी है, ठीक है ना। और देखो आइडियल वैल्यूज के लिए यहां तक है, ये टेबल इतनी बना के आनी है, ये भी बनाई जो होती है, बस यहां तक ये टेबल पैरामीटर्स आइडियल वैल्यूज, ये इतनी टेबल इंपॉर्टेंट है, इतनी टेबल को अच्छे से रट लेना। बाकी मैंने और पता होने के लिए तुम्हें पता हो इसलिए ये चीजें यहां तक बता दी, प्रैक्टिकल वैल्यू बता दी, प्रैक्टिकल वैल्यू भी एक बार पढ़ के जाना कभी पूछ ले, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर उठा लो, उसमें से 9 बार तो पूछा ही होगा, ठीक है ना। देखो क्या क्या होता है, एक तो ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन लिखो या वोल्टेज गेन लिखो, पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये एसी के हैं, ये एसी डीसी दोनों के हो सकते हैं और ये डीसी डीसी के होते हैं ये वाले। तो सबसे पहले ओपन लूप वोल्टेज गेन या वोल्टेज गेन, हाई होता है, मैंने बताया ना हाई वोल्टेज गेन या हाई गेन एम्पलीफायर है तो हाई होता है, ठीक है ना। तो हाई यानी कि या तो 10 की पावर 5 कह सकते हो, क्लियर, तो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसको हमने हाई वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पर इनफाइनाइट यूज कर लिया और लो वैल्यू के लिए 0 यूज कर लिया, यानी जो वैल्यूज लो हैं, जिन जो यानी कि जिनकी वैल्यूज हमें लो रखनी चाहिए उनको हमने 0 और जिनकी हाई रखनी चाहिए उनको इनफाइनाइट यूज कर लिया, बस इनफाइनाइट एंड 0 ही है, यही याद करना है। वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है क्योंकि हाई होता है, और हाई कितना होता है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या है, यूनिटी गेन बैंडविड्थ लिख लो या केवल बैंडविड्थ लिख लो, यानी कि जो बैंडविड्थ होती है ओपन लूप ओपैम की, ये कंडीशन ये प्रॉपर्टीज जो सारी क्या है ओपन लूप ओपैम की है, ठीक है ना। तो अब बैंडविड्थ कितनी होती है, बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, बैंडविड्थ हाई होती है तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया इनफाइनाइट ले लिया, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो। एक इसमें टर्म होती है सीएमआरआर, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है सीएमआरआर, और ये स्ल्यू रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक टर्म और होती है इसमें पीएसआरआर, वो यहां पर नहीं लिखी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है ना। एक टर्म और होती है पीएसआरआर, पीएसआरआर, ये तीन जो है ना, ये तीनों अलग से ही पूछ लिए जाते हैं। तो सीएमआरआर क्या होता है, हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये कितना होता है, ये भी हाई होता है, यानी कि इनफाइनाइट हो गया तो कितना होता है लगभग 90 dB के अप्रोक्सीमेट होता है। स्ल्यू रेट कितना होता है, हाई होता है, इनफाइनाइट हो गया, यानी कि 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, यानी कि ये एक्चुअल में हमारा स्ल्यू रेट क्या बताता है, पर सेकेंड होने वाले चेंजेस आउटपुट में, यानी कि पर सेकंड में आउटपुट में जो चेंजेस होते हैं वो हमारा बताता है स्ल्यू रेट, यानी कि कितने चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं आउटपुट में तो इसलिए वो इनफाइनाइट हो गया। और ये सीएमआरआर क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, यानी कि इसको सीधा सीधा ये कह सकते हैं रेशियो होता है किसका, डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन का, और उसको लॉग की फॉर्म में हम लिख देते हैं तो डीबी में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है इनपुट इम्पिडेंस, मैंने बताया ना इनपुट इम्पिडेंस कह लो या इनपुट रेसिस्टेंस कह लो, ऐसी आउटपुट इम्पिडेंस या आउटपुट रेसिस्टेंस। तो इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है तो इनफाइनाइट ले लिया, आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है तो 0 ले लिया। हाई मतलब 2 मेगा ओम तक जाता है और ये 75 ओम तक होता है, ठीक है ना। आउटपुट ये टेबल ड्रॉ कर लो, एक बार नोट कर लो, मतलब एक बार लिख के देख लो इसको, तभी अच्छे से याद हो पाएगी। अब देखो याद करने का आसान तरीका क्या है कि वोल्टेज गेन, बैंडविड्थ, सीएमआरआर, स्ल्यू रेट, इनपुट इम्पिडेंस, ये तो इनफाइनाइट होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, या 0 वाले याद कर लो, बाकी सब इनफाइनाइट। बल्कि ये करो, ये समय लिखने ही है जरूर। अब ये वाले लिखो या नहीं लिखो, 7 टर्म्स जरूर लिखनी है, 7 टर्म्स, कौन कौन से 7 टर्म्स, अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उनमें 7 टर्म्स, यानी कि 7 टर्म्स जरूर लिखनी है, 7 प्रॉपर्टीज जरूर लिखनी है। वोल्टेज गेन, बैंडविड्थ, सीएमआरआर, स्लो रेट, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, कितनी हो गई, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, 6 हो गई। और 7th कौन सी है, मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में, कौन सी है, पीएसआरआर, ये वाली टर्म, ये इतनी लिखनी जरूरी है, चाहे ये लिखो या ना लिखो। ये वैसे एक्चुअल में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 होती है, कम होती है बहुत, आउटपुट ऑफसेट करंट 0 होती है, इनपुट बायस करंट 0 होती है, यानी कि बहुत कम होती है, 2 मिली वोल्ट, 20 नैनो एम्पियर, 80 नैनो एम्पियर, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। एक पीएसआरआर होता है, ये लो होता है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता है, ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ये कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना, ये 0 होता है आइडियल के केस में, ठीक है ना। तो ये 6 टर्म्स और प्लस 1 वो 7 टर्म्स जरूर लिखे, यानी ये 7 टर्म्स याद कर लेना अगर प्रॉपर्टी पूछी जाती है या करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, इसको टेबल को अच्छे से रट लो, इसको तो रट लो। इसमें से ये हमारी 5 टर्म जो है ना, ये इनफाइनाइट है, बाकी ये जो दोनों टर्म, ये 3, ये 1 और ये पीएसआर, ये दोनों 0 है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं अपने डेरिवेशंस की। डेरिवेशन हम 5 पढ़ने वाले हैं,
हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओ पैम, यानी कि ओ पैम जो सिंगल एंडेड था, हमें यहाँ पे सिंगल एंडेड ही लेके चलना है आगे तक। तो सिंगल एंडेड में हमने दो टाइप पढ़े थे, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, उन दोनों के डेरिवेशन है, प्लस इसकी तीन एप्लीकेशंस जो मैंने बताई थी सिलेबस में, एक तो समिंग एम्पलीफायर यानी कि एडर, एक इंटीग्रेटर और एक डिफरेंशिएटर। पांच डेरिवेशन में से कोई सा एक डेरिवेशन 100% आएगा और एक डेरिवेशन समझ में आ गया, पाँचों समझ में आ जाएंगे, एक ही पैटर्न पे हैं पाँचों। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से देखो। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सबसे पहले हमने बात की किसकी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सिंगल एंडेड लेके चलेंगे। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे जो ओपैम्प है ना, ओपैम्प इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं, एक तो होता है हमारा ओपन लूप और एक होता है क्लोज लूप। ओपन लूप में भी यही होते हैं हमारे, इसमें भी यही होते हैं, कौन कौन से, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ऐसी सेम इसमें भी होते हैं दोनों, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना। तो ये है, तो हम जो डेरिवेशन पढ़ते हैं ना एग्जाम में, जो डेरिवेशन आता है वो एग्जाम में डेरिवेशन ही नहीं देगा, बस सिंपल कर लेगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वो ऐसे नहीं देगा कि क्लोज लूप इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग या ओपन लूप, लेकिन हमें जो डेरिवेशन करना होता है वो क्लोज लूप के लिए ही करना होता है। या तो एग्जाम में वो देगा नाम से क्लोज लूप, या नाम देगा ही नहीं क्लोज लूप या ओपन लूप, तो हमें करके क्लोज लूप ही आना है, बस मैंने ये बताया यहाँ पर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, हमारा एन ओपैम सर्किट दैट प्रोड्यूस एन एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, यानी कि 180 डिग्री फेस शिफ्ट देता है विद द इनपुट सिग्नल। यानी कि अगर इनपुट हमारा एसी इस फॉर्म में है तो आउटपुट हमारा क्या देगा, इस फॉर्म में देगा, यानी कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे देता है, ठीक है ना। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं अब इसका डेरिवेशन आपको करवा देता हूँ। डेरिवेशन के लिए बस तुम्हें इसमें क्या याद रखना है, सर्किट से याद रखना है। सर्किट अगर बन गया तो डेरिवेशन बहुत ईजिली कर लोगे, सर्किट नहीं बना पाए तो डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कितनी भी कोशिश कर लेना नहीं होगा, गलत कर लोगे, अगर सर्किट गलत हो गया तो डेरिवेशन गलत। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर लेते हैं, जिसको वीडियो स्लो लग रहा हो वो प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख सकता है, 1.5 या 2 पर देख सकता है, या 1.75 या 1.25, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ जानबूझ के, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ सबको। डायग्राम बनाने के लिए वही डायग्राम हम लेंगे सिंगल एंडेड वाले, यहाँ पर प्लस वी ज़रूर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस वी ज़रूर लिखेंगे, यहाँ पर 741 लिख लें या ए लिख लें, कोई सा एक ज़रूर लिख लें। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, वी नॉट यानी कि आउटपुट, अभी नेगेटिव है, इस पर इनपुट अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक रेसिस्टेंस अप्लाई कर लेंगे। इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट हमने अप्लाई कर दिया इस तरह से, और इसको ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया। नॉन इन्वर्टिंग है, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग पर हम कोई इनपुट नहीं अप्लाई करेंगे, तो इसे डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा वी इनपुट लिख लिया हमने, वी आई, ये हमने आर लिख लिया या आर वन लिख लिया, क्योंकि हम क्लोज लूप लेने वाले हैं, और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट उसको हमने क्या मान लिया, आई वन मान लिया। अब एक यहाँ पर हमने पॉइंट लिया, यहाँ से एक फीडबैक कनेक्ट करा यहाँ पर इस तरह से, और उसको इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब ये हमारा, पहले जब तक मैंने ये कनेक्ट नहीं करा था तो ओपन लूप सर्किट था, अब जैसे ही ये कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज लूप हो गया, यानी कि इनपुट आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कपल्ड भी बोलते हैं। तो देखो करंट इधर से जा रही है तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इधर डिवाइड हो जाएगी और एक हमारी इधर ऊपर की तरफ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब डिवाइड हो जाएंगी तो ऊपर जो जाएगी ये रेसिस्टेंस हमने मान लिया आर एफ, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट जो इस तरह से जा रही है वो क्या मान ली हमने, आई एफ। नेमिंग हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आई वन थी तो इधर जो डिवाइड होके गई उसको हमने आई टू मान लिया, ठीक है ना, बस ये सर्किट बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या माना, इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उसको हमने वी वन मान लिया वी वन अपनी तरफ से, पॉजिटिव पर वी वन मान लिया, नेगेटिव पर वी टू मान लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वी आई डी हो गया, यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज होगी वी आई डी। अब ये हमारा फाइनल सर्किट ड्रॉ हो चुका है, इतना सर्किट ड्रॉ करना है हर हाल में आपको एग्जाम में। अब अगर आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया तो डेरिवेशन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, डेरिवेशन ड्रॉ कर लिया होगा। चलिए तो अब डेरिवेशन डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, अब चलिए डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने का जो प्रोसीजर है, सारे डेरिवेशन का प्रोसीजर सेम है। चलिए मैं डेरिवेशन करता हूँ। अब देखो
मैं पहले इधर से स्टार्ट करता हूँ, वैसे चलते चलेंगे। देखो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करना है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं मतलब ये जो लिखा हुआ था ऊपर इसको हटा रहा हूँ, इसको ऊपर कर रहा हूँ, इसकी तो कोई नीड नहीं है। और डायग्राम डायग्राम यहाँ पर बस आपके सामने रखने वाला हूँ बस, ताकि मैं पूरा डेरिवेशन यहीं पर ला सकूँ। क्लियर? अब देखो सबसे पहला हमें क्या डेरिवेशन, जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले डेरिवेशन में पूरी थ्योरी लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में करके आना है, बाकी सब मैं बोलूंगा बस, लिखूंगा नहीं। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा? ओहो, वन सेकेंड, इसको एक साइड में मैंने कर लिया, अब मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट क्या द गेन ऑफ एन ओपन लूप ओपैम्प, कितना होता है गेन ओपन लूप ऑफ एम का? हमने पढ़ा है अभी ए इज इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट अपॉन वी आई डी, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्लियर? अभी पीछे मैंने जस्ट पीछे बताया था जब मैं इनका मोड ऑफ ऑपरेशन बता रहा था, ठीक है ना। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है ना। चलो रुको, इसी से लिखता हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी वन माइनस वी टू। क्यों? यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज हमारा जो वी आई डी है, ये क्या है, डिफरेंशियल वोल्टेज, ये क्या है, डिफरेंस होता है किसका, पॉजिटिव पर जो इनपुट है वी वन माइनस नेगेटिव पर जो इनपुट है इन्वर्टिंग पे वी टू, तो यानी ये कितना हो गया वी वन माइनस वी टू। तो हमने यहाँ पर ये बता भी दिया, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये कितना हो गया ए इज इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू वी नॉट अपॉन वी वन माइनस वी टू, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब इसको थोड़ा सा और चेंज करो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर ले आओ। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए, ठीक है ना। मैंने इनको इंटरचेंज कर लिया, ए को मैं इधर ले आया, इसको इधर ले गया। देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बहुत ईजी वे में, बताऊँगा बहुत आसान तरीका, एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में, ताकि सब बच्चों को क्लियर हो जाए। इनको चेंज कर लिया, इनको चेंज कर लिया, तो ये फॉर्म होगी। लेकिन हमने अभी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जस्ट अब थोड़ा सा पहले, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ना, ये वाली करेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या था, ये देखो बस, ये करेक्टरिस्टिक्स देखो, यहाँ पर ये देखा ना हमने, ओपन लूप ओपैम का जो वोल्टेज गेन होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। चलिए बस ये हमें टर्म लेनी है, ये हो गया। बट फॉर ओपन लूप ओपैम फॉर आइडियल ओप एम्प, फॉर एन आइडियल ओप एम्प, बात तो ओपन लूप की चली रही है, अभी यहां पर लिख ही दिया था हमने गेन ऑफ एन ओपन लूप ओप एम्प, तो हम क्या ले रहे हैं, आइडियल ओप एम्प के लिए हम जानते हैं जो ए होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। इसको ए भी लिख देते हैं, या ये लिख सकते हो ए वी, वोल्टेज गेन है ना, तो ए वी भी लिख देते हैं, ठीक है। जीरो हो गया, सॉरी जीरो नहीं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन इनफाइनाइट। अब जब ये इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट से किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू हो गया जीरो, ठीक है ना। ये वाली टर्म ये हमारी कहलाती है, हाँ ये वाली टर्म बन गई अभी हमारी। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वी वन इक्वल्स टू कितना हो गया वी टू, तो ये टर्म बन गई हमारी क्या, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन और एक वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, दो टर्म्स पूछी जाती हैं इसमें, तो ये होती है हमारी वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या, कि शॉर्ट नहीं है इनपुट टर्मिनल्स जो दोनों हैं वो शॉर्ट, यानी कि आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी ये प्रूव कर दिया कि ये कनेक्ट है, तो यानी कि है नहीं, ये आपस में कनेक्ट थोड़ी है, इक्वल थोड़ी है। ये V1 इस पर जीरो इनपुट है, इस पर कुछ ना कुछ इनपुट होगा वोल्टेज,
ये है नहीं ना वर्चुअल शॉर्ट नहीं है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर ये वर्चुअल मतलब ये शॉर्ट है, यानी वी वन वी टू के इक्वल है, जबकि इक्वल है नहीं, तो इसलिए हम इस कंडीशन को जो बोल रहे हैं वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन हो गई। अब देखो फ्रॉम फिगर या फ्रॉम फिगर हमने क्या देखा, जो वी वन है वो तो हमारा जीरो है, ये यहां पर देखा ना वी वन, ये वी वन पर तो हमने ग्राउंड कर रखा है तो जीरो है, तो वी वन तो हमारा जीरो है, सो वी टू भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किससे? इस वाली कंडीशन से, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से। तो यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू जीरो, ये टर्म जो है ये हमारी क्या कहलाती है, ये वाली जो टर्म है हमारी ये क्या कहलाती है, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन होगी। यानी कि दोनों टर्मिनल हमारे इनपुट टर्मिनल वी वन और वी टू क्या होगा, जीरो, यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट हो गए, जीरो हो गए तो ग्राउंड से कनेक्ट हो गए, जबकि है नहीं तो इसलिए वर्चुअल कंडीशन, मतलब वर्चुअल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन होगी, ठीक है। यहां तक ये जो मैंने डेरिवेशन करा ना, यहां से इस तरह से चले और यहां तक, ये डेरिवेशन पांचों के पांचों डेरिवेशन में करना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन लेके आऊंगा, बस डायरेक्ट नोट कर लूंगा वहां पर। इसमें मैंने बता दिया पूरा पहले डेरिवेशन में, बाकी जो चार डेरिवेशन उनमें नहीं बताने वाला मैं, ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बस आपको ध्यान है ना, ये तो पांचों में लिखना है, यहां तक लेके आना है करके, और बिल्कुल सेम करना है, बल्कि यहां तक नहीं तो यहां तक तो जरूर सेम करना है, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन तक ये चेंज होगा, हाँ थोड़ा सा ये मैं बताऊंगा अभी, लेकिन यहां तक वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन जो है ना यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा पांचों के पांचों डेरिवेशन में। तो यहां तक हो गया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, अपनी साइड को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, डायग्राम भी दिखता रहे और मेरा यहाँ पर ये पूरा डेरिवेशन भी आ जाए, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा साइड में पहुंचा लेते हैं, ठीक है ना, जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि विजिबल भी है या नहीं, ये जो लिखा हुआ है विजिबल है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ बस, चलो मतलब डायग्राम दिखता रहे बस मेनली, बाकी तो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमने यहां तक वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक पहुंच गए, अब हमें क्या करना है, अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए अब आगे को हमें क्या करना है, हमें ये जो हमने यहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हमने नोड मान लिया एन, ये नोड है एन को मान लेते हैं, टर्मिनल इससे इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो यानी कि तीन टर्मिनल यहां पर है करेंट एक ही से एक ही पॉइंट पर, तो इसको हमने नोड मान लिया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड एन, यानी कि नोड एन पर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। हमें क्या करना है, जितने हमें करंट यहां पर लिखी हुई ना आई वन आई एफ और आई टू, इनको कैलकुलेट करना है, इनको कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करने बाद केवीएल जो केसीएल है वो अप्लाई करना है। तो अब हम नोड एन पर जब केसीएल अप्लाई करेंगे तो केसीएल हमारा क्या होगा, केसीएल होता क्या है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, ऐसी दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, केवीएल और केसीएल। केसीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ यानी कि केसीएल क्या कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक नोड पर जो इनकमिंग करंट्स होगी उनका एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि जितनी भी आने वाली करंट है उनका सबका सम इक्वल होता है जाने वाली करंट का। तो इस टर्मिनल पर हम देखें, इस टर्मिनल पर हमने देखा आई वन तो आ रही है इस तरफ, और ये जो आई एफ है ये जा रही है ऊपर की तरफ, और ये इधर, यानी कि मैं यहाँ पर बना लूँ ये नोड, तो यहाँ पर इस तरह से आई वन तो आ रही है, ये तो हमारा आई वन है, ठीक है, और इस तरह से ऊपर जो जा रही है ये आई एफ जा रही है, और इधर आई टू भी जा रही है, तो ये दोनों तो हमारी आउट गोइंग करंट हो गई, और ये वाली इनकमिंग करंट हो गई। तो जब हम यहाँ पर इस नोड एन पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो केसीएल हमारा क्या हो जाएगा, आई वन इनकमिंग करंट आई वन है इक्वल हो जाएगा आई टू प्लस आई एफ, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यानी कि एक इक्वेशन बन गई हमारी, आई वन इक्वल्स टू आई टू प्लस आई एफ, ठीक, डन। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई एफ। अब हुआ क्या, ये इक्वेशन तो बन गई, अब हमें क्या करना है, इस सर्किट से आई वन कैलकुलेट करना, आई टू कैलकुलेट करना, आई एफ कैलकुलेट करना, और इस इक्वेशन में पुट कर देना। इसे इक्वेशन नंबर मान लिया हमने टू, वन तो शायद ऊपर मान ली थी, इसे हमने इक्वेशन नंबर मान लिया टू। तो अब हम डायग्राम से एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्रॉम फिगर या फ्रॉम डायग्राम, क्या आई वन कितना होगा, देखो
आई वन कहाँ पर है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इस तरह से मैंने बनाया, ये एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस में हमें करंट कैलकुलेट करनी है। ये रेसिस्टेंस हमारा आर वन है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है इस तरह से आई वन, यहाँ पर जो इनपुट है इधर इस टर्मिनल पर वो वी इनपुट हमने मान रखा है, यहाँ पर क्या है वी इनपुट, और यहाँ पर क्या है जब आगे गए तो इस टर्मिनल पर वोल्टेज हमने कितना माना है ये वी टू, तो ये कितना हो गया हमारा वी टू, क्लियर। तो जब हम यहाँ से करंट आई वन कैलकुलेट करेंगे, तो आई वन कैलकुलेट करेंगे तो आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो प्रीवियस वोल्टेज होती है यानी वी वन माइनस नेक्स्ट वोल्टेज, यानी कि वी अपॉन, हमने के वी ओम्स लॉ पढ़ रखा है वी इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है वी इक्वल टू आई आर, और यहाँ से आई मेजर करेंगे तो कितना हो गया वी अपॉन आर। तो हमें यही अप्लाई करनी है कंडीशन यहाँ पर, लेकिन आई तो हमारा आई वन हो गया, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो क्या होगा दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी वन माइनस वी टू या वी आई माइनस वी टू अपॉन में रेसिस्टेंस कितना है आर वन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आई वन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कैसे, आई वन इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा वी वन वो या वी आई माइनस वी टू अपॉन आर वन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं वी आई अपॉन आर वन, क्यों, क्योंकि बिकॉज करके यहाँ पर लिख सकते हैं, अब वी टू तो हमारा क्या है जीरो है, वी टू हमने अभी यहाँ पर करा ना मेजर वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से, ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से वी टू तो हमारा जीरो हो गया है ना, तो हमने वही चीज वहां पर रखी वी टू तो हमारा जीरो है, तो जब वी टू जीरो हो जाएगा तो आई वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वी इनपुट अपॉन आर वन, वही मैंने यहाँ पर लिख लिया। ऐसी आई टू की बात करें, कहाँ डायग्राम है आई टू कहाँ पर है, ये इनके इसके इनपुट रेसिस्टेंस पर जो जा रहा है, यहाँ पर इनपुट रेसिस्टेंस पर मेजर करेंगे, लेकिन हमने अभी पीछे करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि इनपुट इंपेडेंस तो आई होता है, आइडियल के लेके चलते हैं हम डेरिवेशन, आइडियल के केस में चल रहे हैं, आइडियल ओप एम्प हमारा है ये, तो आइडियल के केस में इनपुट रेसिस्टेंस हाई यानी कि इनफाइनाइट होता है, जब इनपुट रेसिस्टेंस यहाँ पर हाई होगा तो जब रेसिस्टेंस हाई होगा तो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट ऊपर वोल्टेज कुछ भी हो जब हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा, तो यानी कि हमारा आई टू तो जीरो हो जाएगा सिंपली, तो यानी कि इसके इनपुट रेसिस्टेंस पर जाने वाली करंट तो जीरो होगी। अब आई एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आई एफ इज इक्वल टू आई एफ, अब आई एफ के लिए अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से ये रेसिस्टेंस बनेगा, और इस तरह से यहां पर कितना है वी टू है, क्यों वी टू है, ये वाली टर्मिनल है ये वाला, तो यहां पर तो वोल्टेज वी टू है, फिर रेसिस्टेंस, और यहां पर कितना है वी नॉट यानी कि आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, रेसिस्टेंस आर एफ और इसमें करंट फ्लो होने वाली जो है वो आई एफ है, तो कितनी हो गई है, फिर से वही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 माइनस करंट की डायरेक्शन वो है, तो V2 माइनस V0 करेंगे, करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो V2 V0 माइनस V2 करेंगे, इसी का ध्यान रखें, करंट की डायरेक्शन इधर होती है उससे प्रीवियस वोल्टेज माइनस नेक्स्ट वोल्टेज अपॉन में रेसिस्टेंस यानी कि RF। अब देखो V2 तो फिर से जीरो है, ये तो जीरो अभी पीछे देखा हमने, तो इसको IF को हम क्या लिख सकते हैं, IF इज इक्वल्स टू माइनस V0 अपॉन RF। अभी जो तीनों वैल्यूज हैं आई वन आई एफ आई टू और आई वन, ये तीनों वैल्यूज उठाकर यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो, तो लिख देंगे पुट या सब्सटीट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ आई वन कॉमा आई टू एंड आई एफ इन इक्वेशन सॉरी टू, ठीक है ना। तो जब पुट करेंगे तो कितना हो, आई वन की वैल्यू कितनी है वी इनपुट अपॉन आर वन इक्वल्स टू आई टू तो हमारा जीरो हो गया, प्लस आई एफ की वैल्यू कितनी, आई एफ की हमने कैलकुलेट करी माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, या इसको सीधा सीधा अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा वी इनपुट अपॉन आर हो गया आर वन, और इक्वल्स टू ये जीरो तो हटा देंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, देन माइनस का वी नॉट अपॉन आर एफ हो गया, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमें ये तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकालेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज इसलिए निकालें वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज देखें तो वी नॉट इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट तो प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा आर एफ इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में अपॉन में आर वन और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा वी इनपुट, तो ये तो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया किसका इनवर्टिंग एम्पलीफायर का या क्लोज लूप इनवर्टिंग एम्पलीफायर का। और अगर गेन की बात करें तो गेन क्या होता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, तो क्या हो जाएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल्स टू माइनस, अच्छा माइनस का साइन लगाना भूल गया मैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस तरह से, तो माइनस आर एफ अपॉन आर वन, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ये वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज गेन हमें पता है क्या होता है रेशियो होता है आउटपुट इनपुट का, और इसे क्लोज लूप का है तो ए एफ
यानी कि एफ से डिनोट करते हैं। तो यानी कि एग्जाम में जब हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए वैल्यू पता होनी चाहिए कि इन्वर्टिंग ओप एम्प का जो गेन होता है क्लोज लूप का वो कितना होता है, माइनस के आर एफ अपॉन आर वन होता है। ठीक है ना, पहला डेरिवेशन कंप्लीट। कहीं पर भी कोई डाउट आए ना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट फायदा ले सकें। तो पहला डेरिवेशन कंप्लीट, चलो दूसरे डेरिवेशन पर चलते हैं। सेकेंड है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है कि एक ओप एम्प का सर्किट है जो हमारा आउटपुट एम्पलीफाई करता है लेकिन सेम फेस में रहता है, यानी कि अगर हमने इस तरह का इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई किया तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो भी इसी तरह का मिलेगा, क्लियर, बस एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी कि सेम फेज में होगा जैसे उसमें इन्वर्ट हो रहा था 180 डिग्री फेज से। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता है डेरिवेशन, लेकिन ये थोड़ा छोटा होगा। चलो सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस बार डायग्राम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डायग्राम बनाना सीख लो बहुत आसान है। वी आउटपुट हमें पता है इस बार नॉन इन्वर्टिंग पर है, तो नॉन इन्वर्टिंग पर हमने क्या करा, इनपुट अप्लाई कर दिया इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये वी इनपुट हमने अप्लाई कर दिया, और इन्वर्टिंग वाले पर रेसिस्टेंस इस पर ही यूज़ करेंगे और जरूर करेंगे, और इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इस बार हम इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे, रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे, और इसको यहाँ से इस तरह से एक रेसिस्टेंस के थ्रू आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। ये हमारा क्या होता है, आर एफ होता है, ये आर वन कह लो क्योंकि इनपुट तो इधर है इसलिए हमने इसको आर वन कह लिया, ठीक है। अब देखो वोल्टेज यहाँ पर जो करंट होगी, करंट यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई करें यहाँ पर जाएगी जो भी, तो करंट इस बार क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये फीडबैक रेसिस्टेंस आर एफ पर है तो ये आई एफ मान लिया, और यहाँ पर जाने वाली करंट को हमने आई वन मान लिया, इधर की तरफ जाएगी, यहाँ से आएगी ना तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी और एक इधर, इसे इधर वाली को हमने क्या मान लिया, आई टू मान लिया, और यहाँ पर हमने मान लिया वोल्टेज वी वन है और यहाँ पर वी टू है, और दोनों का डिफरेंशियल वोल्टेज क्या हो गया हमारा, वी आई डी, क्लियर। और इस नोड को हमने क्या मान लिया, नोड ए मान लो या नोड एन मान लो, और ये जरूर लगा देना प्लस वी ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको नॉलेज है, और 741 या ए। ये कंप्लीट डायग्राम हो गया किसका, हमारा नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये ओप एम्प का, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन वही सेम प्रोसीजर, क्या सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन तक, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन कौन सी थी, वी वन इक्वल टू वी टू तक, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ फिर बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये वाली जो कंडीशन थी ये वाली वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, ये वाली V1 जो V2 था, यहाँ से ये डेरिवेशन यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पर ये विजिबल नहीं है ना तो वीडियो पीछे जाओ और दोबारा से देख लो, वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, जब जूम था ये, ठीक है ना। अब देखो वहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ, तो हमारी वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन क्या होगी, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन क्या होती है, वहाँ तक लाएंगे फिर, ये वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन होती है V1 इक्वल्स टू V2, ये कंडीशन हो गई। लेकिन फ्रॉम फिगर या डायग्राम क्या, यहाँ पर इस बार V1 क्या है, V1 तो VI के इक्वल है ना, इनपुट वोल्टेज के इक्वल है, V1 पे यहाँ पर वही तो वोल्टेज होगा जो यहाँ पर है ना, तो इसलिए ये V इनपुट के क्लियर हो इक्वल हो गया, तो यानी कि अब जो हमारा होगा V1 इक्वल्स टू, दोनों वर्चुअल शॉर्ट के इक्वल हैं, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन में V2 इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे VI के इक्वल हो गया, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये हमने क्या देखा कि V1 ऐसे ही हमारा V2 भी तो क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है ना, इक्वल है दोनों, तो ये हमारी क्या होगी, VI के इक्वल हो गया, ये हमारी होगी वर्चुअल यहाँ पर ग्राउंड कंडीशन, वर्चुअल ग्राउंड नहीं बोलेंगे इसको, वर्चुअल शॉर्ट हो जाएगी, वर्चुअल ग्राउंड नहीं होगी क्योंकि जीरो नहीं है, ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर V2 इस बार हमारा VI यानी कि इनपुट वोल्टेज के इक्वल है, फिर से वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं KCL, किस पर, नोड N पर ही करेंगे हर बार, ये ध्यान रखेंगे, तो अप्लाई KCL एट नोड N पर जब KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इस बार क्या बनना है सर्किट, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, एक ऊपर से करंट आ रही है यहाँ पर, ये यहाँ इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन आने वाली है और इसकी भी जाने वाली है, तो ये I1 है हमारी इधर, ये I2 है उधर, और ये हमारी IF है, तो इस नोड N पर, ये जो नोड N है यहाँ पर जब KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट कौन सी है, केवल IF है, और आउटगोइंग कौन सी, I1 और I2 है, तो इस बार हमारा IF जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 के,
क्लियर, ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी यहाँ तक। इसको इक्वेशन को नंबरिंग कर लेंगे, जो भी इक्वेशन नंबरिंग बनेगी आपकी जब इसको स्टार्टिंग से करके लाओगे, मैं यहाँ पर वन मान लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर या फ्रॉम डायग्राम, क्या देखो ये सॉरी आई जितनी भी हमारी ये हैं ये इनको कैलकुलेट करते हैं, आई वन आई टू आई एफ। तो आई वन की अगर बात करें तो आई वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई वन यहाँ पर है, देखो मैं फिर से नहीं बना रहा, अब इधर करंट फ्लो हो रही है, इधर वोल्टेज कितना है यहाँ पर वी टू, और इधर कितना है ग्राउंड से कनेक्टेड तो जीरो, तो कितना हो जाएगा, पहले ये होगा वी टू माइनस जीरो अपॉन में रेसिस्टेंस कितना है आर वन, समझ में आ गया होगा ठीक है ना। और यहाँ पर हमने V2 कितना कैलकुलेट कराई है, V2 V2 तो हमारा VI के इक्वल है, तो इसे हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, VI अपॉन में R1, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया VI अपॉन R1, पहली टर्म निकल गई। IF कैलकुलेट कर लेते हैं, IF कैलकुलेट करेंगे तो IF कहाँ पर है यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन कौन सी है इधर की तरफ, इधर वोल्टेज कौन सा V0, इधर कितना है V2, तो क्या हो जाएगा V0 माइनस V2 अपॉन में R F, यहाँ पर रेसिस्टेंस कौन सा है आर एफ है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी टू कितना है हमारा वही वी आई है, तो इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट माइनस वी आई अपॉन में आर एफ, तो ये कितना हो गया हमारा आई एफ हो गया, क्लियर। और जो आई टू है, आई टू हमें पता ही है उसके इनपुट पे जा रही है, इनपुट इम्पिडेंस में जा रही है, इनपुट रेसिस्टेंस में इनफाइनाइट होता है, तो ये जीरो हो गई। आई होप तुम्हें तीनों समझ में आ गई होंगी इक्वेशन, तीनों करंट। अब ये तीनों करंट की जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, यानी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई वन आई एफ एंड आई टू इन इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर होगा। तो आई एफ की वैल्यू कितनी है, पहले आई एफ है तो आई एफ की वैल्यू कितनी है वी नॉट माइनस वी आई अपॉन में आर एफ, ठीक है ना, और इक्वल्स टू आई वन, आई वन कितना है वी आई अपॉन में आर वन, और प्लस आई टू कितना है जीरो, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इन वैल्यूज की देखो यहाँ तक समझ में आ गया, अब इनको इसको सॉल्व कर लेते हैं और गेन निकाल लेते हैं। गेन क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होता है, यानी कि इसको सॉल्व करके वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट निकालना है, तो इनको अलग अलग कर लो, वी नॉट अपॉन आर एफ सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो ही, मुझे पता है कि तुम इसको सॉल्व कर सकते हो अगर मैं डायरेक्ट भी लिख दूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, बता रह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो क्या है, इसको अलग अलग कर लो, वी नॉट अपॉन आर एफ ठीक माइनस वी आई अपॉन आर एफ, ठीक है ना, इक्वल्स टू वी आई अपॉन आर एफ, ठीक है ना, और ये तो जीरो हो गया। अब इसको उधर ले जाओगे, इस टर्म को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर एफ तो एज इट इज इक्वल्स टू वी आई अपॉन, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा आर एफ, मैंने कुछ गड़बड़ करी कि हाँ ये वी आई अपॉन आर वन है, ये आर वन है, ये मैंने आर एफ लिख दिया यहाँ पर, ये R1 है ठीक है ना, तो ये इधर गया प्लस ये VI अपॉन R1 हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से VI कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो गया, ये तो V0 अपॉन RF है ही, V0 अपॉन RF इक्वल्स टू यहाँ से VI कॉमन ले लिया, दोनों में से VI कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R1 ठीक। इनका LCM ले लो, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, VI तो एज इट इज है, LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इन दोनों का, या बल्कि एल से मतलब इसको ऐसे ही रहने दो, अभी हमारा इधर ही भी आ रहा है ना, उसको भी इधर पहुंचाना है। अब देखो क्या करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीपल मतलब इनका वी आई को हमें आउटपुट मतलब गेन निकालना है ना, तो गेन क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होगा, तो वी इनपुट को इधर ले आओ तो आर एफ उधर, आर एफ इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो वी नॉट अपॉन वी आई तो इधर हो गया इक्वल्स टू आर एफ उधर चला गया, और कितना हो गया वन अपॉन आर एफ प्लस वन अपॉन आर वन। अब इस आर एफ के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू बनेगी देख लेते हैं। ये तो हमारा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट तो एज इट इज है, और इसी को हम क्या बोलते हैं ए एफ बोल देते हैं, इसको बोला ए एफ, मैंने इसको नहीं लिखा कभी, सोचो ए एफ वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, जब आर एफ की मल्टीप्लाई अंदर गई तो आर एफ अपॉन आर एफ यानी कि वन हो गया, और प्लस ये आर एफ यहाँ जाएगा तो आर एफ अपॉन आर वन, तो यानी कि आर एफ अपॉन आर वन हो गया, तो ये हो गया इसका गेन, तो ये हमारा फाइनल आ गया गेन कितना होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन। इसको भी याद करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, नॉन इन्वर्टिंग का वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, और इन्वर्टिंग का आर माइनस आर एफ अपॉन आर वन,
क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है। बहुत इजी करके बता रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला ऐसे। अगर देखो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट भी करके बताओ अगर कोई डाउट है तो, और अच्छा भी लग रहा है तो भी बताओ, ठीक है ना। तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग हो गए ख़त्म हमारे। अब एक एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन हम तीन पढ़ने वाले हैं जो दी हुई है, पर एक टर्म और है, इस टर्म को और देख लेते हैं। नॉन इन्वर्टिंग के केस में, नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमारी एक एप्लीकेशन होती है नॉन इन्वर्टिंग के केस में, बाकी जो हम वो पढ़ने वाले हैं वो इन्वर्टिंग के केस में पढ़ने वाले हैं। क्या है? यूनिटी गेन एम्पलीफायर होगा या वोल्टेज फॉलोवर होगा या बफर एम्पलीफायर होगा। यूनिटी गेन एम्पलीफायर कह लो, वोल्टेज फॉलोवर कह लो, वोल्टेज फॉलोवर के नाम से बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, या बफर एम्पलीफायर कह लो। तो इसमें करते क्या है, मैं इसी भी बता देता हूँ थोड़ा जल्दी। इसमें करते क्या है कि सर्किट लिया हमने, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर तो इनपुट अप्लाई कर दिया, इसलिए हम नॉन इन्वर्टिंग के केस में बता रहे हैं। जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये नेगेटिव वाला, इसको डायरेक्ट बिना किसी रेसिस्टेंस के डायरेक्ट आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। अब हमने ये रेसिस्टेंस हटाया तो हमने करा क्या, इसमें दो केसेस यहाँ पर हम लेंगे कि जो हमारा इसमें जो RF है, ये वाला जो फीडबैक रेसिस्टेंस है उसको तो हम क्या कर देंगे, RF तो हमने कर दिया जीरो, और ये यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था ये वाला, ये तो हमने हटा दिया ना बिल्कुल, यहाँ से गायब ही कर दिया। क्यों हुआ ये गायब? क्योंकि हमने R1 को क्या मान लिया, इसको इनफाइनाइट मान लिया। तो वोल्टेज फॉलोवर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि RF को तो जीरो कर देते हैं और R1 को हम क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा इस तरह का सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा, ये वाला इस तरह से, यानी कि ये हट जाएगा यहाँ से और ये शॉर्ट हो जाएगा। जिसको हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं वो शॉर्ट हो जाता है, जिसको इनफाइनाइट करते हैं वो ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट, तो हमारा वोल्टेज फॉलोवर सर्किट बन जाता है। वोल्टेज फॉलोवर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट है ना, वी आउटपुट वी नॉट, वो इक्वल आने वाला है किसके, वी इनपुट के। तो यानी कि जैसे जैसे इनपुट जो जो होगा वही हमारा आउटपुट होगा, तो जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको वोल्टेज फॉलोवर बोल देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ए वोल्टेज फॉलोवर इज एन ओपैम्प सर्किट इन विच आउटपुट फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, क्लियर। और जब दोनों सेम है, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई है, तो इसका गेन कितना हो जाएगा, जब दोनों वैल्यू सेम है, मान लो दोनों, मतलब मान लो वन है, वी इनपुट हमने मान लिया, वी इनपुट हमारा कितना है वन, तो वी नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज भी वन आएगा, और जब दोनों वन है तो गेन क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी आई, तो गेन भी कितना हो जाएगा हमारा, वन अपॉन वन, यानी कि कितना आ जाएगा वन, तो यानी कि यूनिट वन हो जाता है, वन को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी, तो इसलिए इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर बोलते हैं। आगे बात सुनिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैं ए वी, यानी कि वोल्टेज गेन जो है ना वो वन चाहिए यूनिटी गेन बनाने के लिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। और जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है ना, वो ये होता है, देखो अभी पीछे कैलकुलेट किया, ए वी या ए एफ इक्वल्स टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन नॉन इन्वर्टिंग का। इसमें हमने क्या करा, इसको तो हमने जीरो रख दिया और इसको हमने क्या रखा, इनफाइनाइट रख दिया। तो चलो सपोज पहले केस में इसको जीरो रख दिया, जब जीरो को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, तो ए वी इक्वल्स टू कितना हो गया, वन हो गया। ए वी वन है, वन कब होगा, जब वी आउटपुट अपॉन वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट होगा। जब इनफाइनाइट रखा नीचे वाले को, इसे इनफाइनाइट रखा, तो इनफाइनाइट से किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो फिर से ये टर्म जीरो हो गई, तो फिर से ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा ये भी, तो यानी कि ये हमारा वी आउटपुट वी इनपुट के इक्वल हो गया। तो ये हमारा वोल्टेज फॉलोवर है, ठीक है ना। अब चलते हैं मेन एप्लीकेशंस पर, इन्वर्टिंग के केस में एप्लीकेशन ऑफ ओपैम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टिंग वाला ही आता है एग्जाम में और पढ़ते इन्वर्टिंग वाला। पहला क्या है, समिंग एम्पलीफायर है। समिंग एम्पलीफायर को हम किन किन नामों से जानते हैं, एक तो समिंग एम्पलीफायर के नाम से आ सकता है, एक एडर सर्किट के नाम से आ सकता है समिंग एम्पलीफायर, या समर के नाम से आ सकता है, समर समिंग एम्पलीफायर या एडर। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था, मैं लास्ट में जैसे आपको आपका सिलेबस 28 तक मैं ख़त्म कर दूंगा, 29 को आपका फिजिक्स का पेपर है, 29 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फर्स्ट को, तो 30 एंड 31 को मैं दो दिन लाइव आऊँगा, 30 को मैं लेके आऊँगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे 5 मिनट के एक ही वीडियो के अंदर, और उन्हीं के अंदर सारे क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा। उसके बाद 31 को मैं लेके आऊँगा आपके एक गैस पेपर, यानी कि मॉडल पेपर, हूबहू पेपर जैसा बिल्कुल, और आपको उनसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सारे स्टूडेंट्स जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बता देना, मैं लिंक शेयर करवा दूंगा पहले ही, ताकि सारे स्टूडेंट लाइव आ जाए। लाइव में आप जो क्वेश्चन करेंगे मैं उनको भी वहां पर क्लियर करता चलूंगा, लाइव में ये फायदा रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो एक एक करके समिंग एम्पलीफायर को देख लेते हैं। समिंग एम्पलीफायर क्या है, यानी कि इनपुट पर जितने भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, एक पहली बात तो इनपुट पर एक से ज्यादा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, टू या टू से ज्यादा,
टू या टू से ज़्यादा इनपुट अप्लाई करेंगे किसी एक टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग हम बात करें इन्वर्टिंग, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर क्या करेंगे, टू या टू से ज़्यादा इनपुट अप्लाई करेंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जो हमने इनपुट पर अप्लाई करें उनका सम हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, समिंग एम्पलीफायर बोल रहे हैं, ठीक है। या एडर, यानी कि आउटपुट एड होकर मिलता है। चलिए तो सर्किट बना लेते हैं। डेरिवेशन का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम है, लिखा हुआ है एडर इज एन ओप एम्प सर्किट विच कैन एक्सेप्ट टू और यहां पर आ जाता है टू और मोर इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट एज द सम ऑफ दीज इनपुट, यानी कि इन इनपुट के अकॉर्डिंग जो सम होकर आउटपुट आएगा वो यहां पर होता है, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, डेफिनेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, नेम की और डेफिनेशन की हमें कोई नीड नहीं है, चलिए ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो डायग्राम बना रहा हूँ, टू इनपुट का भी बना सकते हैं, थ्री इनपुट का भी बना सकते हैं, अगर डेरिवेशन में कुछ ऐसा दिया नहीं है तो टू इनपुट का ही करके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल आता है इस पर, या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इनमें भी समिंग सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन जरूर आता है इस टॉपिक से, तो न्यूमेरिकल आए तो उसमें तीन इनपुट के लिए आए, चार इनपुट के लिए आए, तो जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा उसमें एक्सप्लेन कर ही दूंगा तुम्हें। तो देखो मैं दो के लिए बता देता हूँ इस टाइम डेरिवेशन, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसको पॉजिटिव को तो हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पर हम क्या करेंगे, दो इनपुट अप्लाई करेंगे, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया, एक इनपुट ये हो गया, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया, एक इनपुट ये अप्लाई कर दिया, फिर से भैया क्लोज लूप यहाँ से लेके जाएंगे, ये फीडबैक रेसिस्टेंस हो गया और यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज होगी वी नॉट, यहाँ पर ए लिखेंगे या 741 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस वी लिखेंगे, यहाँ पर माइनस वी लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा, ये आर एफ हो गया, ये हमारा आर वन मान लिया, ये आर टू मान लिया, यहाँ पर वी वन मान लिया, यहाँ पर वी टू मान लिया, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई वन मान ली, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई टू मान ली, और इसमें फ्लो होने वाली करंट आई एफ मान ली, सबको हमने एक दूसरे से कोरिलेट करके माना है, ठीक है ना, ताकि डेरिवेशन में भी ऐसा नहीं रहे और डायग्राम को समझने में भी ऐसा नहीं रहे और याद भी रहे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम विथ टू इनपुट्स, दो इनपुट के साथ, ऐसे इनपुट जो होते हैं ना यहाँ पर ऐड होते चले जाते हैं और आउटपुट पर क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको बता दूंगा। डेरिवेशन करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने अभी तक करा, यहाँ पर हमने ये नोड एन मान ली, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन तक, तो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन तक लेके जाएंगे, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन क्या मानी थी मैंने, वी वन इज इक्वल टू वी टू, ये मानी थी ना। अब ये कंडीशन तक तो हमें डेरिवेशन लेके ही जाना है, लेकिन यहाँ पर देखो ये मैं लिखना भूल गया, वी वन ये वी टू और यहाँ पर ये क्या हो गया वी आई डी, ठीक है ना, डिफरेंशियल वोल्टेज, और यहाँ पर जो करंट है यहाँ पर आई वन मान ली, यहाँ पर आई टू मान ली, यहाँ पर आई एफ हो गई, तो यहाँ पर मैंने मान ली इधर आई थ्री जो इसमें जाएगी, तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखो डायग्राम से हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फिगर क्या देगा, V1 तो हमारा जीरो है, ये तो जीरो है ना, तो हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग V2 भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें बन गई वर्चुअल ग्राउंड वाली कंडीशन। तो यहाँ तक तो सेम है, इन तीनों एप्लीकेशन में यहाँ तक सेम ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इन्वर्टिंग इनपुट पर ही अप्लाई करेंगे इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग पर नहीं करेंगे, तो यहाँ तक तो सेम हो गया। बस अब हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर अप्लाई KCL एट नोड N, अप्लाई KCL एट नोड N, जब इस नोड N पर KCL अप्लाई करेंगे तो देखो अब कितनी करंट I1 आ रही है, I2 आ रही है, आई एफ जा रही है और आई थ्री भी जा रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 दोनों इनकमिंग करंट का एल्जेब्रिक सम इक्वल्स टू I3 प्लस आई एफ, ठीक है ना, ये तो बन गया इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर वन मान लिया मैंने। तुम ऊपर से जब करके लाओगे ना, डेरिवेशन करके लाना है ऊपर से, कभी यहीं से लेके बैठ जाओ उसको एग्जाम में, पूरा करना है स्टार्टिंग से, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई, या तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी बनेगी, हमने फिलहाल यहाँ पर वन मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर हमने इसको वन मान लिया यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर हमारी वन हो गई। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं, फ्रॉम फिर से फिगर इन, यानी कि चारों करंट को कैलकुलेट करना जैसे पीछे करना बिल्कुल वही है। आई वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, I1 पे इधर इनपुट वोल्टेज VI V1 है, इधर कितना है V2 है, यहाँ पर पूरे टर्मिनल पर कितना है V2 है, तो V करंट की डायरेक्शन ये है, तो V1 माइनस V2 अपॉन रेसिस्टेंस R1 कितना हो गया, V1 माइनस V2 अपॉन R1। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको भी V1 मान लिया और इसको भी V1 मान लिया, इसको भी V2 मान लिया और इसको भी V2 मान लिया, तो क्या होगा,
अब मैं यहां पर करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इनको हम चेंज कर लेते हैं। इसको वी इनपुट 1 मान लेते हैं और इसको वी इनपुट 2 मान लेते हैं ताकि डिफरेंस रहे दोनों में, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ही हम यहां पर ही हो गए, देखो वी वन माइनस वी टू हो गया, तो वी वन वी टू तो 0 है, तो 0/R1 यानी I1 तो 0 हो गई। समझ में आई ना बात? तो मैंने अब उनको थोड़ा चेंज कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वी इनपुट 1 माइनस वहां पर तो वी टू है, वी टू अपॉन R1, ये R1 हो गया। अब वी टू तो हमने देखो अभी निकाला, ऊपर 0 है तो ये 0 है, इसको 0 पुट कर देंगे तो I1 कितना हो जाएगा, वी इनपुट 1 अपॉन R1, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला हमारा। I2 की बात करें, I2 कहां पर है, यहां पर, इधर V इनपुट 2, इधर V2 और अपॉन में R2, V इनपुट 2 माइनस V2 अपॉन R2। अब देखो V2 तो फिर से वही 0, तो कितना हो जाएगा, V इनपुट 2 अपॉन R2। अब बात करते हैं I3 की, I3 हो गया माइनस 0। अब आप बोलो 0 क्यों कर दी सर, 0 इसलिए कर दी क्योंकि ये I3 इनपुट पर जा रही है, इनपुट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अभी पीछे पड़ चुके हैं, 0 होती है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं IF। IF कैलकुलेट करा, IF कहां पर है, इस वाले रेसिस्टेंस में, इधर इनपुट वोल्टेज कितना है, डायरेक्शन उधर है, इधर V2 है, उधर कितना है, V0 है। तो V2 V0 या V0 अपॉन RF, रेसिस्टेंस RF, V2 तो 0 है तो कितना बनेगा, माइनस के V0 अपॉन RF। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, चारों वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दो। तो लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, या पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I4 इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन नंबरिंग होगी, जैसे हमारे यहां पर 1 है, इसमें पुट करते हैं। तो I1 की वैल्यू ये है, V इनपुट 1 अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V इनपुट 2 अपॉन R2 इक्वल्स टू, ये 2 है कभी एल सोच लो, इक्वल्स टू क्या, I3 0 है तो 0 प्लस IF कितना है, माइनस के V नॉट अपॉन RF। हमें निकालना क्या, बस इनमें गेन नहीं निकालना, इनमें एप्लीकेशन में तो आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, आउटपुट वोल्टेज क्या है जो इनपुट पर अप्लाई किया उनका सम आ जाए बस। तो यानी कि हमारा समिंग एम्पलीफायर हो जाएगा या समर या एडर। तो देखो क्या कर सकते हैं इसको, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इधर आ जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो वी नॉट अपॉन RF, तो एज इट इज है ये वाला, इक्वल्स टू ये कितना हो गया, वी इनपुट 1 अपॉन R1 प्लस वी इनपुट 2 अपॉन R2, ये हो गया और माइनस हो गया इधर ये। अब ये RF इधर क्या है, अपॉन में उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो वी नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के RF इंटू में क्या हो गया, वी इनपुट अपॉन R1 प्लस वी इनपुट 2, ये वी इनपुट 1 है, वी इनपुट 2 अपॉन R2, ये बन गया हमारा क्या, आउटपुट। वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों आया, ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि हमने जो सर्किट लिया वो इन्वर्टिंग का लिया, तो इन्वर्टिंग साइन इंडिकेट कर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ये, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है। ठीक, ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज, मतलब और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं डेरिवेशन में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इसको तो बहुत कुछ आता है। क्या हम इसको RF को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस, तो ये बाहर है, RF अपॉन R1 V इनपुट 1 प्लस RF अपॉन R2 V इनपुट 2। इसको जो है ना, इसको याद करेंगे, इस वाली इक्वेशन को याद करेंगे, ये फाइनल आउटपुट है आपका, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ये न्यूमेरिकल में हम और भी यूज़ कर सकते हैं, एस जैसे भी हम यूज़ करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये याद रखना आप न्यूमेरिकल में ये यूज़ करेंगे, वो नहीं यूज़ करेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा वरना, ठीक है ना। चलो तो अब ये वाला याद रखो कि अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, कि अगर इफ R1 इक्वल हो जाए R2 के, यानी दोनों रेजिस्टेंस सेम हो, और RF यानी कि तीनों रेजिस्टेंस अगर सेम हो, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी इनपुट 1 प्लस वी इनपुट 2, ये हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे तो 1/1, सेम हो जाएंगे तो 1, तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल। तो दोनों इनपुट का देखो, इनपुट पे वोल्टेज क्या थी, वी इनपुट 1 वी इनपुट 2, तो यानी कि सम हो गया, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ईजी वे में तुम्हें समझा रहा हूँ, एक ही लेक्चर में पूरी यूनिट कंप्लीट कर रहा हूँ। बस पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। ये हो गया हमारा समिंग एम्पलीफायर।
नेक्स्ट है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में क्या है कि इंटीग्रेट करके आउटपुट मिलेगा। चलिए तो थ्योरी तो पढ़ी लेना है जो लिखी हुई है, मैं सीधा बस डायग्राम बना के डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, थ्योरी देख लो जो लिखी हुई है, यानी कि इंटीग्रेट करके आउटपुट देता है। चलिए ऊपर चलते हैं ताकि एक ही पेज पर डेरिवेशन आ जाए। डायग्राम बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसको तो हमने यहाँ पर इन्वर्टिंग है तो ये तो ग्राउंड कर दिया, इस पर एक रेसिस्टेंस अप्लाई किया और यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दी और अब इसको ग्राउंड कर दिया। ये क्या हो गया हमारा वी इनपुट, ये प्लस ये माइनस, ये आर वन, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई वन, और यहाँ जो फीडबैक में इसमें क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्लस वी माइनस वी और ए लिख लिया। देखो मैंने उसमें भी बनाया था नहीं, अच्छा वो तो ऊपर शिफ्ट हो गया, चलो बनाया होगा देख लेना, ठीक है। और ये हो गया बस, यहाँ तक हमारा ये हो गया 741। तो ये डायग्राम हो गया, यहाँ पर ये सी है, जस्ट वन सेकेंड, हाँ ये सी है कैपेसिटर है तो सी है मान लिया क्योंकि फीडबैक में है और करंट डायरेक्शन इधर है, तो इसे हमने क्या मान लिया आई एफ मान लिया, इसमें फ्लो होने वाली करंट। यहाँ पर वोल्टेज वी वन है, यहाँ पर वोल्टेज वी टू है और इनका वोल्टेज डिफरेंस जो है वी आई डी हो गया, और इधर जो करंट फ्लो हो रही है, इधर जो जा रही है इस टर्मिनल पर, इसको आई टू मान लिया। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम। करने का प्रोसीजर वही सेम, क्या वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन या वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू कितना आता है हमारा जीरो, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक डेरिवेशन सेम करेंगे। यहाँ पर भी वी वन जीरो है तो यानी कि ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अप्लाई के सी एल, अप्लाई के सी एल एट नोड एन, नोड एन कौन सी है, ये वाली, इस पर केसीएल अप्लाई करा तो क्या होगा, देखो ये आई वन इधर से जा रहा है, आई टू और आई एफ जो है ये आउटगोइंग करंट है, तो आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, समझ में आ रही होगी इक्वेशन। ये बन गई हमारी इक्वेशन, तुम्हारे पीछे से करके लाओगे डेरिवेशन जो भी बनेगी इक्वेशन, ये मैंने वन मान ली। अब आई वन आई टू आई एफ कैलकुलेट कर लो, मैं लिख नहीं रहा बस डायरेक्ट बता रहा हूँ। आई वन कैलकुलेट करेंगे डायग्राम से तो कितना होगा, आई वन इधर वी इनपुट है, इधर वी टू है अपॉन आर वन, तो वी इनपुट माइनस वी टू अपॉन आर वन, वी टू तो हमारा ये जीरो है यहाँ पर, तो यानी कि कितना हो जाएगा वी इनपुट अपॉन आर वन, तो ये तो आई वन हो गया। अब जो आई टू है वो तो जीरो हो जाएगा, अब जो आई एफ है वो थोड़ा सा स्पेशल है यहाँ पर, इसके लिए मैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ है, उसके दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो भी होगा वो वही होगा जो भी, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर है तो ये V2 माइनस V0 हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह से कैपेसिटर में हम करंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, IC कैपेसिटर करंट इक्वल्स टू कितना होता है, यानी कि जो कैपेसिटर है यहाँ पर वो C dVC अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है हमारा कैपेसिटर में करंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। IC इक्वल्स टू C dVC अपॉन dt, IC तो वो है जो कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रही है, C कैपेसिटर की वैल्यू और वी सी क्या है कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर अपनी आई एफ बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पर हमने आई एफ मान रखी है ना कैपेसिटर में, तो आई सी की जगह पर तो आई एफ यूज़ कर लिया, सी सी की जगह पर क्या हमारा ये सी एफ है तो सी एफ ले लिया, और डी सॉरी इक्वल का साइन भी लगा दिया मैंने, डी अपॉन डी टी हो गया, और वी सी, वी सी क्या है कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस, इधर क्या है वी टू उधर क्या है वी नॉट, तो यहाँ पर लिख देंगे वी टू माइनस वी नॉट, ये बन गई हमारी इक्वेशन इसकी आई एफ की वैल्यू, ठीक है ना। चलो ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पर पुट कर देता हूँ अभी, आई वन वी इनपुट अपॉन आर वन इक्वल्स टू आई टू तो जीरो है, प्लस ये कितना हो गया सी एफ डी अपॉन डी टी और V2 माइनस V0। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज़ कर सकते हैं, ये तो हमारा जीरो है ना, V2 तो जीरो है ऊपर, तो यहाँ पर जीरो लिख दो ना V2 को, तो जब यहाँ पर जीरो करेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं यहीं पर कर ले रहा हूँ, यहीं पर कर देते हैं, वैसे वही वैल्यू पुट कर लेते हैं लेकिन मैंने पुट कर ली तो इसी में कर देते हैं, क्या V इनपुट अपॉन आर वन इक्वल्स टू ये तो जीरो है, अब ये माइनस देखो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या सी एफ डी अपॉन डी टी माइनस के V0, तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस के सी एफ डी अपॉन डी टी V नॉट, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी वैल्यू, ये V2 तो जीरो हो गया, ये माइनस का था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब हमें V नॉट कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो ये आइटम इधर आ जाएंगी, ये आइटम इधर आ जाएंगे, V नॉट कैलकुलेट करना है,
तो पहले सी एफ को ले आओ, एक एक करके ले आते हैं। जब हमने क्या करा, चलो ये डी अपॉन डी टी है, ये थोड़ी ले जाएंगे, वी नॉट हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सी एफ इधर आया, तो कितना हो गया, माइनस के वी इनपुट अपॉन सी एफ आर वन, ये हो गई ना वैल्यू, सी एफ इधर डिवाइड में आ गया। अब दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएशन का करते हैं तो वो फिर से वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि मान लो हमने एक्स है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करा तो ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करा इस वैल्यू को, डी एक्स अपॉन डी टी को, तो ये कितना हो जाता है, ये फिर से एक्स हो जाता है। तो ऐसी डी अपॉन डी टी वी नॉट है, तो वी नॉट का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो वी नॉट हो जाएगा, मैथ में पढ़ ही रखा होगा आपने, इतना तो पता ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया हमने, और ये जो वैल्यू है दोनों, ये क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो वन अपॉन सी एफ और आर वन, सी एफ आर वन, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी आई डी टी। तो ये बन गया हमारा इन्वर्ट इंटीग्रेटर का फाइनल आउटपुट, क्या हो गया, वी नॉट क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी इनपुट, यानी कि वी इनपुट है ये, वी इनपुट का इंटीग्रेशन हम हो गया, हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेटर हो गया। आई होप तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही डिफरेंशिएटर पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएटर इसका उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, डिफरेंशिएटर की डेफिनेशन लिखिए, पॉज करके देख लो, लिख लो, पढ़ना चाहो पढ़ लो, मैं पढ़ने टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आगे चलता हूँ, वीडियो वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, डायग्राम उसी तरह से बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ग्राउंड कर दिया, इसमें कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया वी आई प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, सी वन हो गया, तो यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट आई वन हो गई, यहाँ से लेके गए, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगाएंगे, ये डिफरेंस है, रेसिस्टेंस कैपेसिटर से रिप्लेस हो जाता है, ये आर एफ हो गया, यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट आई एफ हो गई, ये वी नॉट हो गया, ये प्लस वी हो गया, ये माइनस के वी हो गया, और ये हमारा ए हो गया, और यहाँ पर ये वी वन हो गया, ये वी टू हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, वी आई डी हो गया, उसी तरह से जैसे अभी तक हम बनाते हुए आ रहे हैं। डायग्रामों को रट लो, डायग्राम ना बनाया ना सही, तो डेरिवेशन ना होने का, डेरिवेशन इससे ही हो रहा डायग्राम से ही, ठीक है ना, रट लो मेरी तरह। अब बोलोगे तुम्हें तो सर पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया, आपको तो इसलिए रट गए, तुम भी बहुत बार रिपीट कर लो, तुम्हारे भी रट, तुम्हें भी रट जाएगा, बहुत बार बना के देख लो, ठीक है ना। फिर से वही, वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू जीरो, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन तक सेम, केसीएल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, देखो आई वन इधर जा रही है, आई एफ उधर जा रही है, आई टू इधर जा रही है, तो आ इस पॉइंट पर नोड एन पर क्या आ रहा है, आई वन, और जा रही है आई टू आई एफ, तो आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टू प्लस आई एफ हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आई वन इज इक्वल टू कितना होगा, कैपेसिटर की करंट है तो आई सी, सी की जगह पर सी वन, डी वी सी, वी सी कितना हो जाएगा, उधर जा रही है, तो वी इनपुट माइनस वी टू अपॉन में डी टी, वी टू तो जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी वन डी वी इनपुट अपॉन डी टी, ये हो गया हमारा आई वन, ठीक। आई टू इससे डायग्राम से देखेंगे तो जीरो, और आई एफ डायग्राम से देखेंगे तो कितना है, आई एफ यहाँ पर है रेसिस्टेंस में, ये वी टू माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, क्योंकि डायरेक्शन उधर है, तो वी टू माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, और वी टू तो हमारा जीरो है, इसको जीरो रखें तो कितना हो जाएगा, माइनस के वी नॉट अपॉन आर एफ बचेगा। तीनों वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, और ये जीरो आ गई, और ये वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो आई वन इज इक्वल टू कितना है, सी सी वन डी वी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये कितना है, माइनस के वी टू, आई टू तो जीरो है, जीरो प्लस ये कितना है, माइनस के वी नॉट अपॉन आर एफ, ठीक है, यहाँ से वी नॉट निकालना है, इसको चेंज करेंगे तो, चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी वन डी वी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस के वी नॉट अपॉन आर एफ, यहाँ से आर एफ को इधर ले आओ, इधर आ जाओ भाई आर एफ, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के आर एफ सी वन डी अपॉन डी टी और वी आई, देखो इनपुट वोल्टेज डिफरेंशिएट हो रहा है, और यही हमारा फाइनल होगा। देखो कितना इजी हो गया ना, लास्ट डेरिवेशन तक आते आते कितना इजी हो गया ना, तो बहुत इजी डेरिवेशन है सारे, ये मैंने सारे डेरिवेशन आपको करा दिए, ठीक है ना। आई होप तुमको समझ में आ गए होंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो ये तो आपके कंप्लीट होगा यहाँ तक, ठीक है। तो चलो मैं अब एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूँ, एक तो उस पर बता देता हूँ इन्वर्टिंग, मतलब बता देता हूँ ये दो न्यूमेरिकल, बाकी मैं उनमें ले लूँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। न्यूमेरिकल किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक सेकंड ज़रा थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
चलो न्यूमेरिकल देखो, एक एक करके न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो मैं न्यूमेरिकल अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ अपने से, ठीक। एक सर्किट दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स पहला क्वेश्चन, एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट किस तरह से दिया हुआ है? अब देखो सर्किट दिया हुआ होगा एग्जाम में तो तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर नहीं पहचानोगे तो होगा नहीं, और पहचान लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये 1 किलो ओम है और ये फीडबैक रेसिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये भी 1 किलो ओम है और यहाँ पर वो कुछ और नहीं लिख के देगा, जो ही नहीं कि ये लगाए, या हो सकता है एग्जाम में लगा भी दे तो लगा देगा, जो भी लगाएगा इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लिखे ना लिखे इन पर मत जाना न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो ये वी इनपुट है और क्या दिया हुआ है, ये वी इनपुट अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये सर्किट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। क्वेश्चन में थ्योरी जो लिखी होगी उसमें गेन दिया हुआ है, 61 गेन दिया हुआ है। गेन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वोल्टेज को डिवाइड करना है वोल्टेज से, तो वोल्टेज वोल्टेज डिवाइड कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और निकालना क्या है इसमें, फाइंड पूछा क्या है, फाइंड आर एफ। इस तरह से सर्किट देगा, गेन दे दिया 61 और आर एफ फाइंड कराएगा। तो हम आर एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पहले ये पहचाना है सर्किट कौन सा है। तो हम देखेंगे इनपुट कौन से टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है, इनपुट हो रहा है हमारे पॉजिटिव साइन पर अप्लाई। तो जब पॉजिटिव साइन पर अप्लाई हो रहा है तो ये कौन सा हो गया, हम सोचें पॉजिटिव किस पे होता था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अब हमें यहाँ पर गेन दिया हुआ है तो यानी कि हमें गेन वाला फॉर्मूला चाहिए। तो गेन वाला फॉर्मूला जो होता है, हमने कैलकुलेट किया था ए वी या ए एफ, वो कितना था, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ये था नॉन इन्वर्टिंग के लिए। अब जब ये था, हमें आर एफ कैलकुलेट करना है, आर वन हमें दिया हुआ है, आर वन यहाँ पर होता है ना, ये नहीं सॉरी ये मैंने 1 किलो ओम गलत लिख दिया, ये दिया हुआ नहीं है, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। और गेन दिया हुआ है तो गेन की वैल्यू दी है, तो गेन की वैल्यू पुट कर दी 61 इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ, हमें कैलकुलेट करना है, और अपॉन में आर वन कितना दिया हुआ, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को जब ओम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 या 1000 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो इतना सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल आने वाला है इससे। न्यूमेरिकल सिंपल जब भी तो लगेगा जब डेरिवेशन आता हो और डायग्राम पता हो, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसको, इसको 1 को इधर लिया है, इधर प्लस का इधर आगे 1 किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो 61 माइनस 1 हो जाएगा तो 60 बचेगा। तो आर एफ अपॉन 1000 लिख लो यहाँ पर, इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 हो गया। अब ये डिवाइड में है, इसको उधर लेके जाओगे तो कायम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है ना। यानी कि इसको क्या कह सकते हो, ये 1000 है तो 60 किलो ओम बोल सकते हो यहाँ पर। तो आर एफ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 60 किलो ओम हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लेंगे, ये लिख देंगे या सीधा सीधा ओम में लिखेंगे तो 60 × 10⁻³ ओम, 1000 × 10³ लिख सकते हैं, इतना ओम हो गया या 60 किलो ओम हो गया। तो किलो ओम में या ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लेना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, आर एफ दिया हुआ है, फीडबैक रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 500 किलो ओम। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो फीडबैक रेसिस्टेंस आता है ना वो ज़्यादा होता है इनपुट रेसिस्टेंस या आर वन जो हम यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये तो हमारा इतना हो गया, और आर वन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 किलो ओम। ये दिए हुए हैं, आर एफ दिया हुआ है और आर वन दिया हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है इन्वर्टिंग ओप एम्प है। थ्योरी में लिखा हुआ है इन्वर्टिंग ओप एम्प, डायग्राम नहीं दिया इसमें पर थ्योरी में लिख दिया ना इन्वर्टिंग ओप एम्प है, तो इन्वर्टिंग ओप एम्प है। और ये दिए हुए हैं वैल्यू, और फाइंड क्या करवा रहा है वो, आउटपुट वोल्टेज। इफ एक तो गेन फाइंड क्या करवा रहा है, गेन कैलकुलेट करना है, और एक क्या करवा रहा है, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट करवा रहा है। इफ कब, जब वी इनपुट दिया हुआ हो कितना, 0.8 वोल्ट। वी इनपुट जब 0.8 वोल्ट या 0.1 वोल्ट दिया हुआ है, जब 0.1 वोल्ट दिया हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये चीजें कैलकुलेट करवा। थ्योरी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, में थ्योरी नहीं लिख के लाया पूरी, क्या फायदा। एक कहा है इसने, कौन सा कहा, इन्वर्टिंग ओप एम्प, इन्वर्टिंग ओप एम्प है, ठीक है ना। इन्वर्टिंग ओप एम्प है जिसमें हमारा फीडबैक रेसिस्टेंस इतना है और रेसिस्टेंस आर वन इतना है, गेन कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्टिंग ओप एम्प का हम सबसे पहले गेन ही देखेंगे। तो क्या होता है, गेन सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, सॉल्यूशन क्या, गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग ओप एम्प कितना होता है, गेन ऑफ इन्वर्टिंग ओप एम्प ए वी कह लो माइनस आर एफ अपॉन आर वन होता है।
आर एफ भी दिया हुआ है, आर वन भी दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा। ए बी इक्वस टू आर एफ की वैल्यू कितनी है 500, किलोम में दोनों तो चेंज करनी होती है, 10^3 लिखना चाहो तो लिख लो वरना कैंसिल हो जाएंगे, तो 10^3 ओम में चेंज कर लिया, और ये कितना है 5 किलोम, तो 5 × 10^3 ये कैंसिल हो गया, ये 5 से 1 टाइम चला गया 100 टाइम्स, तो कितना हो गया गेन 1000 हो गया, वो सॉरी 100 हो गया, गेन कितना आया इसका वोल्टेज गेन 100 आया, ठीक है ना। तो गेन हमने कैलकुलेट कर लिया, गेन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लिखनी जो नहीं, वरना जिसकी यूनिट होती है वो लिखनी है एग्जाम में जरूर। अब हमें पता है गेन तो हमारा, ए वी तो हमारा कितना आ गया 100 आ गया भाई, अब हमें क्या निकालना है आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो गेन जो होता है हमारा वो क्या होता है ए वी नॉट अपॉन वी आई होता है, इज इक्वल टू ए वी होता है या ए एफ। तो अब ये तो हमें पता है कितना 100 है, तो ये 100 लिख दिया हमने कैलकुलेट किया, और वी आउटपुट हमें निकालना है, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो गया 100 और मल्टीप्लाई में वी इनपुट इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई 0.1 वोल्ट हो गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया वी आउटपुट हमारा, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी 0.1 यानी कि 10 वोल्ट हो गया, ये वोल्ट में आएगा, ठीक है ना, 10 वोल्ट हो गया। तो देखो 0.1 इनपुट अप्लाई कर रहे थे, आउटपुट 10 वोल्ट मिला, कितना इनपुट हाई हो गया हमारा, बस इतना सिंपल था न्यूमेरिकल था। देखो अगले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, ये तो थे इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के, ठीक है ना। अब समिंग एम्पलीफायर पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, समिंग एम्पलीफायर पर न्यूमेरिकल आता है, तो समिंग एम्पलीफायर पर देख लेते हैं किस तरह का न्यूमेरिकल बनता है। दो तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो सर्किट दिया हुआ होगा और उससे आउटपुट वोल्टेज बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, और एक क्या दिया होगा वैल्यूज दी होंगी, इनपुट आउटपुट दिया होगा और सर्किट डिजाइन करवाएगा। तो दोनों तरह के बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सर्किट दिया हुआ है सबसे पहले एक क्वेश्चन में, ठीक है, 3 इनपुट का सर्किट है। आप देखो 3 इनपुट का यहाँ पर आ गया, तो वही देख लेंगे कैसे होता है 3 इनपुट का। मैंने डेरिवेशन में 2 इनपुट का बताया ना, बस एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ, फिर वीडियो एंड होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग 2 घंटे मैक्सिमम होंगे वीडियो और आपकी यूनिट कंप्लीट। ये हमारा फीडबैक रेसिस्टेंस और ये हमारा है इनकी, और ये हमारा, ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग, ये ग्राउंड है, इनकी वैल्यूज देख लेता हूँ मैं क्या क्या है। 111 है, 214 है, यहाँ पर 2 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 1 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 4 वोल्ट दिया हुआ है, और ये 1 किलोम का है, ये भी 1 किलोम का है, और ये भी 1 किलोम का है, और ये भी 1 किलोम का है, जरूरी नहीं 1 किलोम का थे, डिफरेंट भी दे सकता है, बट लेकिन यहाँ पर 1 का दिया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था, वी आउटपुट हमें फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए, कितना होता है माइनस के, ये माइनस इसकी वजह से, आर एफ अपॉन आर वन वी इनपुट वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू वी इनपुट टू, यहाँ तक देखा था ना मैं। अब इसमें 3 इनपुट है तो तीसरा और जोड़ लो ऐसे ही बस, और थोड़ी ना है कुछ इसमें, जितने इनपुट है उतने जोड़ लो, आर एफ अपॉन आर थ्री वी इनपुट थ्री, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये वाला ही फॉर्मूला याद करना है, लेकिन यहाँ पर तो सारे वन है, तो जब सब वन होंगे तो ए वन हो जाएगा, ए वी वन हो जाएगा, ए वी वन हो जाएगा, बस तीनों इनपुट को ऐड कर लेंगे, जैसे उसमें 2 इनपुट हो गए थे डेरिवेशन में, तो यानी कि 2+1 यानी 3+4 यानी कि 7 वोल्ट आ जाएगा, माइनस के 7 वोल्ट आंसर ऐसी, देखो मुझे वन ही हो गया। लेकिन आपको फॉर्मूला यही लिखना है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मैंने तो सेम दे दिया, अगर हमने डिफरेंट कर दिए ना, ये कोई सी वैल्यू चेंज कर दी तो कन्फ्यूज हो जाएगा, पता चला डायरेक्ट लगा के आ गए, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो माइनस ये देखो 1/1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ 2+1+4 यानी कि वी आउटपुट कितना आ गया माइनस के 7 वोल्ट। अब बोलोगे सर तो बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी आ रहे हैं एग्जाम में, यही आएंगे, इजी आएंगे, बहुत इजी होंगे, ये मत सोचो कि मैं इजी करा रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, जो न्यूमेरिकल करा रहा है आए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स आए हुए लिए मैंने, तो इसी तरह के आते हैं, बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल। एक जो मैं डिजाइन करने वाला बता रहा हूँ कि डिजाइन करने के लिए आता है, उसको देख लेते हैं, डिजाइन एंड एडर सर्किट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी नंबर है, डिजाइन एंड एडर सर्किट क्या लें, सेमिंग एम्पलीफायर या समर, एडर सर्किट कब कब डिजाइन करना है एडर सर्किट, जब उसमें 2 चीजें दी होंगी, एक तो वी नॉट आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव दिया है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्या दिया हुआ है वी वन प्लस 10 V2 प्लस 100 V3 और आर एफ दिया हुआ है, फीडबैक रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 किलो, बस ये दिया हुआ है, और हमें सर्किट डिजाइन करना है। तो एक ये मत कहना, ये भी इजी बता दिया आपने, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आया हुआ न्यूमेरिकल है ये, तो डिजाइन करना, तो डिजाइन हम समझ गया, 3 इनपुट वोल्टेज दी हुई है यहाँ पर, वो उसने दिया हुआ है जहां पर हमारी वी वन वी टू वी थ्री जो है वो इनपुट वोल्टेज है, तो 3 इनपुट वोल्टेज दिया, यानी 3 इनपुट वाला हमारा डायग्राम है, यानी कि एक इनपुट ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, हम ऐसे डिजाइन कर लेंगे, तीसरा ये हो गया,
तीनों को कंबाइन कर देंगे और ओप एम्प इस तरह से पूरा डिज़ाइन कर देंगे, 741 या ए लिखेंगे, यहाँ पर प्लस वी, यहाँ पर माइनस वी, और ये हमने ग्राउंड कर दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ पर वी नॉट ले लिया, और इसको हमने एक रेसिस्टेंस लगाया फीडबैक रेसिस्टेंस और इससे कनेक्ट कर दिया, ये हमारा आर एफ हो गया। ठीक है, तो ये तो वी वन दिया हुआ है, ये वी टू दिया हुआ है, ये वी थ्री दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस सर्किट में ये आर वन आर टू आर थ्री निकालने हैं और उसमें सर्किट बना के इस तरह से लिख के दिखाने, तभी हमारा सर्किट डिजाइन होगा। और आर एफ हमें दिया हुआ है 100 किलो ओम। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं क्या, सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या वी आउटपुट जो होता है, आउटपुट ऑफ समिंग एम्पलीफायर या समर या एडर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के आर एफ अपॉन आर वन वी वन या वी इनपुट वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू V इनपुट टू प्लस तीन के लिए दिया हुआ, तीन के लिए लिखेंगे आर एफ अपॉन आर थ्री वी इनपुट थ्री। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये वाली इक्वेशन जो है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिया, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू। जब इक्वेट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली देखो, ये माइनस साइन है, ये वी नॉट है, कंपेयर कर रहे हैं मतलब एक तरह से, तो क्या हो गया हमारा, तो ये V1 यहाँ पर तो V1 है और यहाँ पर कितना है V1, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर तो V1 V2 V3 है ना, तो हम यहाँ पर V1 ही लिखेंगे, यहाँ पर ये V1 ही होगा, ये V2 ही होगा, बस V2 V इनपुट नहीं लिखेंगे और ये V3 होगा। ठीक है, तो देखो ये V1 है, ये V1 है, इसके कोफिशियंट क्या है हमारा, 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 है, और यहाँ पर क्या, आर एफ अपॉन आर 1 है, तो यहाँ पर जब हमने इक्वेट करा तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली कंडीशन आर एफ अपॉन आर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, पहला केस। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से सॉल्व करा था हमने, आई आर वन निकाला तो आर वन उधर चला गया, तो आर वन इज इक्वल टू कितना हो गया आर एफ, आर एफ हमारा कितना है दिया हुआ है 100 है, 100 किलो ओम, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, आर वन भी कितना हो गया 100 किलो ओम। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरा केस, ये वाले टर्म कंपेयर करो किससे, इस वाली टर्म से, तो आर एफ अपॉन आर टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, तो आर एफ अपॉन आर टू इक्वल टू कितना है 10, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 10 इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, R2 टू इज इक्वल टू, आर एफ की वैल्यू तो 100 है, अपॉन में 10 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया 10 किलो ओम, तो R2 कितना हो गया हमारा 10 किलो ओम। ऐसी थर्ड वाला टर्म जो है ये वाली, इसको कंपेयर करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो आर एफ अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू कितना है 100 दिया हुआ है, सॉरी 100 नहीं, कितना दिया हुआ है, हाँ 100 ही तो दिया हुआ है, तो अब इसको इधर लाएंगे 100 को, उसको इधर ले जाएंगे, तो R3 कितना हो जाएगा हमारा, R3 थ्री इज इक्वल टू, आर एफ की वैल्यू कितनी है 100 है, अपॉन में 100 हो गया, तो यानी कि कितना आ गया 1 किलो ओम, तो ये हो गया हमारा 1 किलो ओम। तो ये तीनों वैल्यूज जो हमने निकाली है ना, ये तीनों वैल्यू जो निकाली है, R1 की वैल्यू यहाँ पर लिख दोगे 100 किलो ओम, R2 की वैल्यू 10 किलो ओम 10 किलो ओम, और R3 की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम हो गया, बस ये डिज़ाइन कर देंगे, तो ये फाइनल डिज़ाइन हो गया आपका, और यही फाइनल बस पूछा था उसने। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी पूरी यूनिट। मैंने एम्पलीफायर पूरा फाइनल कर दिया है, एम्पलीफायर से इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है ना, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आऊँगा, लाइव लेके आऊँगा, और एक गैस पेपर भी। ठीक है ना, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी। नेक्स्ट ये वीडियो कंप्लीट होगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट लेके आऊँगा। ठीक है, इससे पहले मैं सेकंड यूनिट से पहले करा चुका हूँ, और बाकी एक पहली यूनिट जो है वो तीन वीडियो में है, उसको देख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैंने बाद में सोचा कि एग्जाम पास में आ गए, एक एक वीडियो में ही दे देता हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, कमेंट करो अगर अच्छा लगा हो तो, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ओके।